चौधरी साहब। हेलो हेलो चौधरी साहब, आप खुद ही नीलामी में आ गए। आना ही पड़ा, ये जमीन खरीदने में कितने पैसे लगेंगे पता नहीं। ये बहुत ही प्राइम एरिया है, मॉल बनाने की सोच रहा हूँ मैं। हमारा प्लान भी रेडी हो रहा है। आप अभी रेडी करने में लगे हैं? हम तो ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। आज यहाँ हमारे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए सर्वे नंबर 122, 123, 123/4 ऑक्शन हो रहा है। अब हम लोग जमीन के नीलामी की कार्यवाही शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, इस जमीन का सरकारी रेट है 50 करोड़ रुपए। हमारा 55 करोड़। क्या कमी थी मेरे यहाँ? तुझे घर दिया, पैसा दिया, और तुझे क्या चाहिए? आपने आपने सब कुछ दिया भाई, लेकिन वो भवानी। तुझसे तेरी जान मांगा, लेकिन तूने तो मेरे लिए जान दूंगा बोला था ना। दूंगा भाई। दोनों के लिए जान कैसे देगा भाई साहब? आप ही को देना होगा। गवर्नमेंट का रेट है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ 1 रुपए चौक क्यों गए? इस जमीन की मैंने यही कीमत रखी है। टाइम वेस्ट ना करो तो ही बेहतर होगा ऑफिसर। भवानी शंकर जी की बोली 50 करोड़ 1 रुपया है, पहली बोली। 50 करोड़ 1 रुपया दूसरी बोली।
50 करोड़ एक रुपया तीसरी बोली। वो एक रुपया क्यों रे नासिम्मा, कैसा है? मेरे पीछे जिस हथियार को तूने छोड़ा था ना भवानी, मैं उसका काम तमाम करके आ रहा हूँ। अब तो तुझे ये समझ में आ ही गया ना कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। तू बड़ा बदमाश है, उससे ज्यादा मैं हूँ, ये तू अच्छी तरह जान ले। देख, होशियार वही होता है जो दूसरों का काम बिगाड़ कर अपना काम आसानी से निकाल लेता है। वो तो सिर्फ एक बहुत मामूली सा प्यादा था नाजिम्मा और तू उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करता रह गया। और इस जमीन के ऑक्शन में करोड़ों की जमीन मैंने अपने नाम कर ली है। मैं महाबदमाश हूँ, याद रखना। साहब बैठ जाइए, नहीं तो पाँव में दर्द होगा। दर्द किसे होना चाहिए, तुझे या मुझे? वो क्या है ना भाई साहब, मेरी ही गलती से अपने हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट गया। भाई साहब आपके मारने से वो वैरायटी साउंड आ रहा है। तेरे ही फोन का साउंड है बेवकूफ। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, रघु। हेलो, तो इधर है। फोन करेंगे कह सकता था ना, रिंगटोन क्या मुझसे पूछ के बदला था? बोल यादव। ए नरसिम्हा, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तुझे पता नहीं है क्या, तेरी वजह से मैं इतने दिनों से खामोश बैठा हुआ हूँ। तू खामोश कहाँ है, तूने भी तो उसके आदमी को मारा। देख नरसिम्हा, तुझे कितनी बार समझाया और आज भी कह रहा हूँ, हमारे धंधे में किसी न किसी के साथ तो दुश्मनी रहेगी, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा ताकि दूसरे लोग हमारा फायदा न उठा पाए। इसलिए तुम लोगों को दूसरों के इलाके में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रखो, समझ गए? या अपने भाषण में समझाओ। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? बेटिंग के पैसे निकाल। मेरे बेटे को कोई बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा। पैसे लेकर आना, लड़के को ले जाना। वो लोग तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं पता है? तुम्हारा बेटा क्रिकेट बैटिंग में पैसे हार गया, वो लोग पैसे की वसूली तो करेंगे ही। सिगरेट पीने से, दारू पीने से जो पीता है उस पर असर होता है, लेकिन जिसे जुए की लत लग जाए उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद होकर रह जाता है। लेकिन एक बाप होने के बावजूद आपने उसे समझाया नहीं? कितनी बार समझाया भाई, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता है तो उसे मर जाने दो, तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? छोड़ दो उसे, वो मर गया तो क्या, आपका दूसरा बेटा तो जिंदा रहेगा ना। नहीं भाई ऐसा मत बोलिए भाई, वो दोनों मेरे ही तो बेटे हैं, हर बार मुसीबत से तो आप ही निकालते हैं ना। आप हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं ना भाई, मेरे बेटे को भी बचा लीजिए ना भाई, प्लीज भाई प्लीज। दादाजी प्लीज, मेरे बेटे को बचा लीजिए भाई प्लीज, प्लीज आइए मेरे, प्लीज भाई प्लीज। देखा, बाप को ऐसा होना चाहिए,
दो बेटा होने के बावजूद एक बेटे की जान के लिए कितना तड़प रहा है, और एक तुम हो जिसने अपने इकलौते बेटे को बाहर भेजकर वहाँ पढ़ाई करवा रहा है। इकलौता बेटा है इसीलिए तो उसके भलाई के लिए ही उसे अपने से दूर रखा है पिताजी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ बेटा, वो मेरे सपने में रोज आता है, कहता है अपनों से दूर नहीं रहा जाता। सपना देखा था मैं, we'll be right back.
मैं बदमाश हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ एटमॉस्फेयर में अटेंशन रहना चाहिए, उन्हें सिर्फ मुझे देखना है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। देखा रूम में सभी का ध्यान मुझ पर है। हीरो समझता है क्या? तो सब लोग तेरे को देखेंगे। हीरोइज्म माने समझने से नहीं होता, खून में गर्मी होनी चाहिए ब्रदर। मुझ में वो बात है, मैं फिक्स हो गया। अगर तुम में वो बात है तो आ जाओ। वास्तु के हिसाब से सही है, रोड इस वैसी भी है। तुम वापस आ गए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। अरे तू यहाँ कब आया? वो कल रात को ही आया था, तब आप सो रहे थे। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था डैड, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने दिनों बाद बेटा घर आया है और तुम हो कि उसे डांट रहे हो। बीच में मत बोलिए पिताजी, तू बोल। दादाजी ने फोन किया था, आने के लिए कहा, इसलिए मैं आ गया। कोई गलती हो गई? तेरे को पता है क्या? अगर तेरे आने के बारे में हमारे दुश्मनों को पता चल गया, हमें क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ेगी, तुझे मालूम है? मेरे होते हुए मेरे पोते का कौन क्या बिगाड़ेगा? चल बेटा घूम आते हैं। ओ पिताजी सुनिए, कुछ नहीं। क्या बात है दत्ता, कौन था वो लड़का? पता नहीं, सिटी में हमारी इंडिया में आकर हम पर हाथ उठाने वाला कौन होगा ये आपको पता नहीं है क्या? आपकी वजह से नाम मर्दों की जिंदगी जी रहा है। क्या बोलूंगा मैं भाई को, क्या बोलूंगा? उनको पता चलेगा तो हम सबको मार डालेंगे। फोन लगा उसको। भवानी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। देख पहले तू मेरे एरिया में आया, फिर सरकारी जमीन का टेंडर भी हथिया लिया, अब तू डायरेक्ट मेरे बिजनेस में एंट्री मार रहा है। गलत कर रहा तू भवानी। ए नरसिम्हा क्या बकरा है तू, पगला गया है क्या? पगला मैं नहीं गया, कुछ दिनों में तू जाएगा, लोगों की नजर में तू महान बनता फिरेगा, सलाम ठुकवाएगा लोगों से, और मैं बदनाम होता रहूं। अपने बिजनेस में बदमाश बनना पड़ता है। तू क्या मेरे साथ गेम करता रहेगा? एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे से टकराने की जरूरत कभी मत करना, तेरी हस्ती मिटा कर रख दूंगा। अरे तू क्या मेरी हस्ती मिटाएगा? अरे मैं धमकी नहीं देता, करके दिखाता हूँ। और एक बात कान खुलकर सुन ले नरसिम्हा, तेरे इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा मुझे धमकी देने की कोशिश की ना तो तेरी गेम बचा दूंगा। बनर्जी हमारा कोई आदमी उसके पब में गया था क्या? नहीं तो। नमस्ते भाई। आपने मेरे इसी बेटे की जान बचाई, थैंक्स भाई। अरे ऐसे क्या देख रहा है, जाके भाई से आशीर्वाद ले ले। ए, रहने दे, रहने दे। भाई थैंक यू, भाई आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू वेरी मच। ये क्या सब कुछ करके सर झुका कर क्यों खड़ा है? ए, वो मर रहा था तो उसे मरने देते, हीरोइज्म करने की क्या जरूरत थी?
हीरोइज्म समझने से थोड़ी आएगा, खून में होना चाहिए। आप इसे तो मिला है मुझे। बहुत हुआ तेरा हीरोइज्म। इसने ऐसी क्या गलती की है जो इसके ऊपर चिल्ला रहे हो? आप बीच में मत आइए पिताजी, इसे बिगाड़ने वाले आप हैं। अच्छा तू ये बता, तू इंडिया में क्या करने आया है? बोल क्या करने आया है तू? अब कुछ बोलेगा? अब ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़, बचपन से तुझे देखता आया हूँ, अब बोल। डैडी वो एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो हाँ तो फिर मैं भी आपके जैसा। हाँ मेरे जैसे जिंदगी भर तू क्या लोगों की भलाई करता रहेगा? सबका मामला निपटाने के लिए तू लड़ेगा, सबसे दुश्मनी मोल लेगा? सुन एक सलाह देता हूँ, अगर विदेश जाना चाहते हो तो जाओ, और अगर यहाँ रहना चाहते हो तो अपने पढ़ाई के हिसाब से कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, चाहो तो बिजनेस कर सकते हो। मेरा इतना कहना है, शरीफ इंसान बनना सीखो, बदमाश नंबर वन नहीं। बस बहुत हो गया। क्या हुआ भाई साहब, दो पैक तो हुए हैं। मैं तो रोज दो ही पैक पीता हूँ भाई। हर रोज और आज में तो फर्क है ना भाई साहब, आप लीजिए ना। आज क्या स्पेशल है साले साहब? स्पेशल है करके आप धीरे से क्यों बोलते हो? उस भवानी को आपने ऐसी वार्निंग दी, उसकी तो फट के हाथ में ही आ गई होगी। जाकर देख लेना उसकी कितनी फटी होगी। क्या भाई साहब देखने की क्या जरूरत है, जब हमारी फट गई होगी तो उसकी तो गारंटी के साथ फट गई होगी। कौन है? थोड़ा हेल्प करो ना। करता हूँ। सीढ़ियों से भी चढ़ के आ सकता था। तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ कहाँ होंगी मुझे क्या बता? तो उसके मुझे मारने की क्या जरूरत थी? कौन है रे वाह? क्या है? फोन करके वार्निंग देंगे? एक बात पूछता हूँ तुम्हें, ये दादागिरी की बाउंड्री है क्या? ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका। चल अब मैं तेरे घर में डायरेक्ट तुझसे पूछता हूँ, तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? अच्छा कोई तुम्हारे इलाके में आया कहा ना, तुम्हारे पब में आके तुम्हारे लोगों की पिटाई करने वाला मैं ही था। तुम्हें नहीं पता ना मैं कौन हूँ? मैं भवानी शंकर का बेटा। कोई है क्या? तुमने मुझे पहले नहीं देखा ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ वैसे होता है। इतना समझाने पर भी मेरे पिताजी से एक्स्ट्रा बात की, अगली बार करंट लेकर आऊंगा और तुम्हें ऑफ कर दिया। उस तरफ संभाल के जाना, एक थप्पड़ से नशा उतर गया। भाई साहब ये तो अंधेरे में ही शौक देकर गया है, अगर करंट होता तो बहुत मुश्किल होती। वो लड़का यहाँ आया था उसे उतने देखा है ना? आपने भी देखा ना? मैंने नहीं देखा, लेकिन तूने तो बराबर देखा है ना? क्यों नहीं देखा? लड़का तेज तलवार के जैसा है, 6 फुट लंबा, घुंघराले बाल वाला, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम बदमाश नंबर वन। इस बदमाश के होते हुए बदमाश नंबर वन कैसे आ गया मेरे ही घर में आके मुझे वार्निंग देकर गया? कल सुबह तक मेरे पैरों पर उसका सर चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। भाई साहब आपने 3 पैक दिए तो आपको नहीं दिख सका, मैंने तो 6 पैक दिए तो मुझे कैसे दिखेगा भाई साहब? तेरी तो दादाजी। राम बेटा कहाँ गया था, क्या कर रहा था? मैं तेरे लिए कितना परेशान था। उस नरसिम्हा के घर पे गया था। क्या उसे धमकी देकर आया हूँ? नहीं तो क्या? मेरे पिताजी को फोन करके धमकी देता है। नरसिम्हा, अब उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे सोच समझ के करना। चल सॉरी डैडी, आपने जैसे कहा था मैं फॉरेन जा रहा हूं, चलता हूं दादाजी। अपना ख्याल रखना बेटा। वैसे लंदन की फ्लाइट तो रात को है ना, आप क्यों जा रहे हो? फ्लाइट की टाइमिंग चेंज हुई है क्या? टाइमिंग नहीं बदला है, दरअसल प्लेस बदल गई है। प्लेस बदल गया? आप कहाँ जा रहे हो? हांगकांग। हांगकांग क्यों? क्या हुआ? अब जाके डैडी को बताओगे? नहीं बोलूंगा, लेकिन संभल कर जाना। We'll be right back.
भाई, मनु छोड़ दो भाई, मनु छोड़ दो, ओ मनु छोड़ दो भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, मनु माफ कर दो भाई, चल बस शंकर, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इस प्रॉपर्टी के भाई, मनु मनु, हे पापा जी, तूने ये जायदाद मुझे फ्री में नहीं दिया, बैटिंग में हार गया है, मेरी गलत हुआ भाई, भाई मैं साइन कर दूंगा तो मेरी तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी भाई, फैमिली, अच्छा तो एक काम करो पापा जी, तुझे एक और मैच का चांस देता हूँ, अगर तू जीत गया तो मेरे पैसे मुझे लौटा दे, थैंक यू भाई, इस बार जीत के मैं तोड़ा पैसा पूरा लौटा देना भाई, अच्छा अच्छा साइन कर, देखा बैटिंग का नशा कितना तगड़ा है, फैमिली की परवाह किए बगैर दोबारा बैटिंग लगा ली, तेरे पास तो कुछ नहीं बचा पापा जी, चल तेरा काम तो हो गया, के साथ आए हैं, बस हम दोनों ही अकेले हैं, इंडिया में भी अकेले थे यहाँ भी अकेले हैं, ये क्या पब में बॉयफ्रेंड के साथ आना जरूरी है क्या, हम दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, इस उम्र में जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर से बॉयफ्रेंड का माल अजकने लग गई, किसी एरेगन से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते ना, अपने रेंज का भी तो कोई मिलना चाहिए ना, फिर रेंज का लड़का मिलेगा भी मुझे तो नहीं लगता, जरूर मिलेगा देख लेना, एक दिन अचानक सामने आके खड़ा हो जाएगा, यादव भाई से मिला है, यादव भाई यहाँ क्यों मिलेगा, ये यादव भाई का बाबा मालूम है और यादव भाई यही पर रहता है, जिसकी मौत आती है वही यादव भाई से मिलने आता है, तुझे भी मरना है क्या, नहीं बात करनी है, क्या बात करनी है, आज के पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में जीत बांग्लादेश की होने वाली है ना, लेकिन आखिर में जीतने वाला पाकिस्तान है, फिक्स करने वाला यादव भाई है, फेल होने का कोई चांस नहीं, कैजुअल हो लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, नहीं तो आगे जाके मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कहीं पर लगा नहीं ना, ठीक है ना तू? Oh my God, thanks a lot. टाइम पर आके आपने भी बचा लिया. Thanks, thanks. छोड़ो. पैसे कौन देने वाला है मुझे? पैसे क्यों? पैसे क्यों? मेरा अच्छा खासा बियर का कैन गिरा है. मेरे दोस्त की जैकेट फाड़ दी. कली खरीदी थी ना तूने? एकदम नई जैकेट. नहीं नहीं, तीन महीना पहले. नहीं नहीं, कली खरीदी है. क्या सर? हीरो के जैसे आपने में सेव किया. आप हीरो होकर लड़कियों से पैसे मांगते हैं? हीरो को तो प्रोड्यूसर खरीद के देगा ना, यहाँ पर हमें ही खरीदना है. लड़कियाँ अच्छी हैं, हेल्प कर दो. अगर हेल्प करनी है तो कर देंगे, लेकिन आपके लिए अपने कपड़े तो नहीं फाड़ सकते ना. ओके, कितना सर? कितना हुआ रे मामू? वैट का 3% मिला के 250. 15,000. हाँ, एकदम करेक्ट, 15,000. 15,000? हमें भी कपड़ों के बारे में नॉलेज है सर, हम यहाँ फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, ये 15,000 का तो नहीं होगा. अरे मैडम, हमको जो दुकानदार ने कहा वही हम आपको कह रहे हैं, और ये फैशनेबल कपड़ा है, इसके लिए 15,000 का है. आपको क्या लगता है मैंने फुटपाथ से खरीदा है? फेस पति है क्या? अपना फेस नहीं है मामू, तेरा फेस.
अभी हमारी ये क्या बातचीत चल रही है, खरीद के दोगे या नहीं? देंगे ना, अभी कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, कल दूंगी, चलेगा? हम आप पर भला कैसे भरोसा करें? हम 15,000 के लिए धोखा देंगे, आपको ऐसा लगता है? तो क्या हम आपको धोखेबाज दिखते हैं? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, खोल। अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम कॉल करके आपको बुला लेंगे। 089 ट्रिपल तुम्हारा नंबर दे दूं ना? 089 45 45 88 ओके ओके। तो चले मामू, जाना ही पड़ेगा। इन लोगों से तो काले चोर ही अच्छे थे ना। जाने देना यार, लड़का अच्छा है, फ्रैंकली बात करता है, खरीद के दे देंगे। क्या कहा ये? छे वो नहीं, सब कुछ जम गया तो बॉयफ्रेंड बन सकता है मतलब। हेलो सर, मैं हूँ सर। मैं बोले तो वही, कल जैकेट फट गई थी। नहीं सर, लेदर जैकेट, आपने हमें सेव करके हेल्प किया था। मैं अंजलि बोल रही हूँ। हेल्प की तो इतना सुबह सुबह डिस्टर्ब करोगी? एक्चुअली सर, मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई, इसलिए मैंने सुबह सुबह फोन किया आपसे बात करने के लिए। जैकेट कब खरीदनी है? ओके, कब खरीदेंगे? आज ही खरीद के दूंगी, अगर आप साथ चलते तो। हमें और कोई काम नहीं है, तुम ही जाकर खरीद के लाओ। खरीद के तो मैं भी ला सकती हूँ, बट रात को देखा था ना, कलर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन? ब्लैक कलर है, एकदम क्लियर है। अगर आप साथ चलते तो सारा मैच है, क्लियर हो जाता, प्लीज प्लीज। ओहो ठीक है। कमिंग, यस। अरे उठ, क्या घोड़े में क्या सो रहा है? किधर आतंकवादी, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो रात वाली लड़की ने फोन किया था, जैकेट खरीदने की बात कर रही है, ब्लैक कलर बता दिया फिर भी बुला रही है। चल अब जाना पड़ेगा। मुझे पहले ही पता था उधर की फोन जरूर करेगी। बाप रे, मैंने थोड़ा बहुत ज्योतिषी का कोर्स किया है, और ऊपर से हमने फिल्मी रखते रहे, उसे बचाया नहीं था। मेरा कलर देख के मुझ पे मर मिटी होगी। मैंने कहा जैकेट का कलर। ओहो, अभी चलेगा मेरे साथ या मैं अकेला जाऊं? चल जल्दी। आगे आगे, आइए आइए। देखो यार कैसे बंसोर के आई है। आप अपनी जैकेट जैसी दूसरी ले लीजिए। यही था ना रे? यही था। Okay. ये क्या सर, आपका जैकेट तो सस्ता था ना, ये तो बहुत कॉस्टली है, ये तो 20,000 का है सर। दरअसल हम लोग ने उस दिन काफी ड्रेस खरीदे थे, तो कंफ्यूजन में 15,000 बोल दिया, बट ओरिजिनल रेट यही है। लेकिन ऐसा कलर भी सेम नहीं है। प्लेटफॉर्म से कपड़े खरीदने वाले लगते हैं, 100 रुपए में खरीद के आपको 10,000 रुपए बताएंगे क्या? आपको मालूम है टी शर्ट की कीमत क्या है? वो भला मुझे कैसे पता होगा सर? मेरे कीमती कपड़ों के बारे में आपको क्या पता? 1 मिनट। हेलो, व्हाट डू यू वांट सर? टेल दिस, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। Tell this rate him 150. $150. No dollar, rupee. अबे चल, rupee only. अबे तो रुकेगा? मैं घोटू है एकदम। तू रुकना मामू, ये क्या बात है? कल आपकी हेल्प कर दी, तो आज हमारे दोस्त की इंसल्ट करोगी? मेरे दोस्त ने आज तक किसी से एक कौड़ी नहीं ली है, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। चलो मामू। सुनिए, वो बात नहीं है, गलत मत समझे, मेरी कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है, मैं आपको कल खरीद के दे दूंगी। ठीक है, बाय। सी यू। क्या कर रहा है? चलना। शिट, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? प्लेयर्स को उनके पैसे मिल गए थे? Then what the bloody hell? यादों से पैसे लेकर भी मेरी बात नहीं मानी? यानी वो लोग मुझे और मेरे आतंक को भूल गए, उन्हें याद दिलाना होगा। मुझे उन प्लेयर्स की डिटेल्स चाहिए, got it? Right now. भाई, क्या है? कल अपने पब में आपसे मिलने एक लड़का आया था, मुझे ऐसा लगा कि जल्दी बोलो। उसने कहा कुछ भी कर लो, मैच तो पाकिस्तान ही जीतेगा। तो फिर ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा उसने कैजुअली बोला है भाई। अच्छा। कैजुअली ले लिया बात को। इस बिजनेस में छोटी छोटी बातों पर गौर करना जरूरी है, नहीं तो लाइफ ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उस बदमाश नंबर 1 की वजह से बहुत लॉस हुआ है मुझे। मुझे वो चाहिए, हर कीमत पे वो चाहिए मुझे। अरे वो देखो, वो लड़की मुझसे मिलने आ रही है, मुझसे मिलने के लिए कितनी बेकरार है। हाय हाय।
थैंक यू डियर, इसे पकड़िए। कलर ही नहीं, साइज में भी कंफ्यूजन है। वो क्या है, फ्री साइज लेकर आई हूँ, ट्राई करके देखिए ना। मैं क्यों, शायद आपको हो जाए। ओके। एकदम परफेक्ट है। देखिए, उसने पहन लिया, समझिए मैंने पहन लिया। थैंक यू। ये जैकेट मैं तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारा दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बता देना। ठीक है, तो बाय, चलो मामू। एक मिनट सर, इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ, कल तो फिर मुलाकात होगी ना। वो क्यों, हमारी जैकेट तो हमें मिल गई। चलो मामू। मालूम है, पैसे खरीद के दे दूंगी, इसी बहाने हम मिलेंगे ना। ठीक है, लैपटॉप जो खरीदना है मिलेंगे। चल मामू। नया खरीदना चाहिए, गिफ्ट लो, ये मेरे दिल के टूटने की आवाज है। ढूंढ तो ना मिले उसके जैसा, दिखाई जो प्यार का रास्ता, नहीं कोई बंदा ऐसा वैसा, लव कैसे ना हो रब वास्ता। Excuse me, sir.
क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हो? जैकेट अच्छी लगी ना? गर्लफ्रेंड ने खरीद के दी है, बहुत खूबसूरत है। ए, पाकिस्तान ही जीतेगा ये तुझे कैसे पता? अंधेरे में तीर छोड़ा क्या? ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ने के लिए मैं कोई चपड़गंज नहीं हूँ। जो कहा है उसे करके दिखाया है मैंने। अरे लेकिन तू जीतेगा कैसे? मैंने 11 के 11 प्लेयर्स को खरीद लिया है, समझ गया? वही तो, ये सब पुराने पैदरे हैं। तुमने ज्यादा पैसे देकर 11 प्लेयर्स को खरीदा, मैंने बस थोड़े ही पैसों में 2 एम्पायर्स को खरीद लिया। हाँ भाई, बचपन से हमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं, उनमें से बैटिंग एक है, बहुत सारा पैसा हार गया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जहाँ जो गया उसे वही ढूंढो। कहावत तो पुरानी है लेकिन मुझे एकदम सही लगी, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। इस खेल के खिलाड़ी का पता लगाया तो तुम्हारा नाम आया, सोचा था साथ में मिलकर काम करेंगे, नहीं हुआ तो तुम्हें ही पछाड़ देंगे। बिजनेस है भाई। ये यादव भाई समुंदर से भी गहरा है, थोड़े से पानी में तैरने वाले मुझे हरा नहीं सकते। कितना भी बड़ा समुंदर हो भाई, सुनामी उसमें हलचल मचाई देती है। पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि मजा आ रहा है। क्यों नहीं, मेरी फेस वैल्यू ऐसी है। ओके, अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो तू मेरे पास काम कर सकता है। रख लो इसे। वेट वेट वेट, बोला ना मैं थोड़ा अलग किस्म का हूं, मैं किसी के नीचे काम नहीं करता। अकेले काम करने के लिए ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, और ये इंडिया भी नहीं है। बैटिंग करने के लिए देश की क्या जरूरत है, हाथ में सेल होना चाहिए और सेल में चार्जिंग होना चाहिए। अपने सेल में तो फुल चार्ज है भाई। क्या नाम है तेरा? राम। राम, तुझ में वाकई दम तो है लेकिन तू अभी बच्चा है। फिर वही पुरानी सोच, शुरू में ऐसे ही कहा गया था, 17 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी भी हिला के रखा है, जानते है कौन है? सचिन तेंदुलकर। वो क्या है ना भाई, इतना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो उसे रिटायर तो होना ही पड़ता है, जैसे कि जीएफ बॉयकॉट। आई लाइक योर गट्स, मिलकर काम करेंगे। वेलकम। कुशिक बस। हाँ बोलो बोलो। रोहोस, दुबई में वी आर सो लकी डार्लिंग, मेरे नाम पे लॉटरी। आई विल कॉल यू लेटर। हाय हाय, लॉटरी में रोहोस मिला? हाँ। क्या वैल्यू कितना पता है? 10 करोड़। आपको कैसे पता? हमारी वजह से ही मिला है, और ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। आप कौन हैं? यादव भाई का आदमी हूँ।
ये कैसा देश है, एप्पल को भी प्लास्टिक कवर में डालते हैं। अब तुम फिर से आ गई, आप क्या तोड़ने फोड़ने का इरादा है? जल्दी बाहर जाओ तो सर फोड़ दूंगी। शौची कहीं का भजा। वो क्या है सरना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? लैपटॉप खरीदने के लिए आप भी तो मेरे साथ जा सकते हैं ना। तोड़ने के लिए मेरा सामान खरीद कर दोगी? उसको लेके जाओ। मतलब आप नहीं आएंगे? मैं ले जाऊंगा, उसको लेके जाओ मेरी माँ। जाओ इधर आओ। सुनो, तुमसे उसी दिन कहा था समझाने को, तुम हो के समझाते नहीं। लड़कियों के पास समझा करो इडियट। इस बिजनेस में आज तक मैंने जितना कमाया था उससे ज्यादा एक दिन में कमा लिया हमने। Cheers. Cheers. And we both were discussing about you, Ram. Yes. Hello, Freddy. Yeah. हाँ हाँ. TV? Switch on the TV. We lost the match today because of me. इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। माफ कर दें। यादव भाई ने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं उनका बात नहीं माना, वो मेरा वाइफ और बच्चों को मार देगा। इसीलिए मैंने ये मैच फिक्स किया। Please save us from Mafiodon. कौन है रे तू? मैं भवानी शंकर का बेटा हूँ। ओए क्या बात है, यहाँ अकेले अपने आप पे क्यों हंस रही है? कुछ नहीं। तारे गिनने में टाइम वेस्ट मत कर और जाके उसे जल्दी प्रपोज कर। इतने शॉर्ट टाइम में? हमारे एग्जाम्स भी खत्म हो गए, फिर हम इंडिया चले जाएंगे। कल उसे जाके मिल और प्रपोज कर। ओके ओके। उस दिन पब में उसे खलास कर देता, बच गया साला। अब उसे ढूंढ कर उखाड़ डालता हूँ। अब उखाड़ लेना था, तुझे किसी ने रोका था क्या? अब वहाँ से पिटाई खाकर यहाँ आके स्टोरी बता रहा है। स्टोरी ओए, अभी भी वक्त है। यादव बाहर आने से पहले उस लड़के का काम तमाम करना होगा, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तू संभाल कर रहना, वो मवाली नहीं बदमाश नंबर वन है। अब जा, दफाओ यहाँ से। जा भाई जा। ये लंबे बाल वाला गया तो सही, लेकिन वापस आने का डाउट है। साले साहब। बोलिए भाई साहब। जरा करीब आके बैठो। हाँ बैठ गया। अच्छा उस लड़के को तो तुमने देखा था ना? बदमाश नंबर वन है। वो क्या है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तुमको कहा था ना कि उसको यहाँ पकड़ के लेके आओ। अभी गया ना लाने। तो क्या होगा, तुम क्या मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगे? अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो उसको पकड़ के लाओ, नहीं तो बस्तर में खड़े होकर भजिया बेचो। जाओ भाई साहब। जाता हूँ ना, जाता हूँ। ये क्या, वो हांगकांग गया और तूने मुझसे ये बात छुपाई? उसने वहाँ क्या क्या किया मालूम है? यादव के साथ डायरेक्ट पंगा मोल लिया। उसे जल्दी फोन करो और उसे अभी वापस आने के लिए कहो। अब मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा बैनर्जी।
लगा, फोन लगा उसे। ये क्या बात है यार, मेरे साथ सिंगापुर आने का वादा किया, अभी इंडिया वापस जा रहे हो। डैडी ने फोन करके बुलाया, जाना पड़ेगा। फिर से एक बार सोच लो यार, वहाँ नाचेंगे गाएंगे एंजॉय करेंगे। जरूर आऊंगा, यहाँ का काम हो गया है, अभी मेरा काम बाकी है, आना तो पड़ेगा ही। मेरे लिए है, उस लड़की के लिए। कितनी शांति से मुस्कुरा रही, लेकिन मैंने उसे हमेशा दुख ही दिया है। जब तक जिंदा थी मेरी वजह से हमेशा परेशानियों में जीती रही। मैं सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता रहता था, फिर भी उसने मुझसे कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। तेरी माँ मुझे दिल से बहुत चाहती थी, लेकिन उसके जीते जी मैं उसे कुछ भी नहीं दे सका बेटा। बहुत सारे लोग अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आते थे, मैं उनके लिए लड़ा करता था और वो लोग मेरी जय जयकार किया करते थे। कुछ लोग मुझे लीडर तो कुछ लोग मुझे बदमाश कहकर बुलाया करते थे। जैसे जैसे मेरे चाहने वाले बढ़े उतने ही दुश्मन भी तैयार हुए। पहले लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं खुश हुआ करता था, यह सब उस वक्त अच्छा लगता था, लेकिन अब उस दलदल से निकलना चाहे भी तो लाख कोशिश करके भी निकल नहीं पाता। हर वक्त जब भी देखो दुश्मन वार करने के लिए तैयार रहते हैं, हमें अपनों को बचाने की फिक्र पड़ी रहती है, और इसलिए ना चाहते हुए भी ये रास्ता हम नहीं छोड़ सकते। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है वो मुझे कभी मिलेगा नहीं, इसलिए तुझे जानबूझकर मैंने बचपन से ही मैंने अपने से दूर करके विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। मैं नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी मेरी तरह हो। अच्छा पढ़ लिख लिया और अब एक अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा ले बेटा। मैंने तो तेरी माँ को खो दिया, लेकिन तू उसे मत खोना। मैंने तो अपनी आबीती सुना दी, अब आगे तेरी मर्जी। जैक बेटा, मेरा और राम का मिलन होने वाला था, अब बिछड़ों को मिलाना तुम्हारा काम है भगवान। बहुत टैलेंट है तुम्हें, वहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न और यहाँ पर फुल ट्रेडिशनल।
बाप रे। ए, कौन है तू? हमारी मैम साहब को पकड़ता है, चल दूर हट, तेरी इतनी हिम्मत? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं समझ गया दोस्त, ये पैसे रखो और ऐश करो। एक मिनट। ए, पटाने के लिए मुझे रिश्वत देता है, जानते हो कौन हूँ? ये मेरा ड्राइवर है बाबू। ड्राइवर है क्या? काम तो ड्राइवर करता हूँ लेकिन इसके सगे भाई जैसा हूँ। ए, तुम इधर आओ जरा। साले साहब, साले साहब, वो अंजलि के अगर भाई हैं तो मेरे तो साले हो गए ना। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो मुझे तूने बताया पहले? वो आते कहने को कहा, लेकिन वो क्या है कि लड़का होकर मुझे आपके सामने डर लग रहा है, वो कैसे बता सकती है? वो तो लड़की है ना। वैसे आप हमारे बेटे का नाम जानते हैं? बेटा? ये क्या कह रहा है? तुम दोनों ने बेटा कब पैदा कर लिया? ना ना, अगर पैदा हुआ तो, पैदा हुआ तो बाबू रखेंगे, तुम्हारे ही नाम जैसा। बाबू? बाबू क्यों? हाँ भाई साहब, प्यार करने से पहले अंजलि ने मेरे सामने ये शर्त रखी थी कि मेरे बेटे का नाम वही होगा जो तुम्हारा नाम है। अच्छा, जीत लोगे ना? तुम अपने हाथों से लिखो, लिखो भाई साहब। बाबू? ए बा, आप लिखो बू, कहो जल्दी। आ 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 आ। अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगा। मुझे बताओ मुझे क्या करना है? ये लो, सिनेमा चले जाओ। सिनेमा? सिनेमा क्यों जीजा जी? तुम दो घंटे सिनेमा देखो, मैं और तुम्हारी बहन प्यार की दो बातें कर लेंगे। सिस्टर सेंटीमेंट, मेरी बहन का ख्याल रखना। हाँ। लेकिन कुछ कुछ मत करना। उसको बोलो। सुन रहे हो मेरी जिंदगी 24/7, तू मेरी सोना रे, चांदनी हो मेरी चांदनी और मैं हूँ तेरा दीवाना रे। जिंदगी हो मेरी जिंदगी तेरे प्यार की दुनिया में ले ले, चांदनी मैं तेरी चांदनी तेरी सांसों में खुशबू भर ले रे। प्यार का तेरा सिम कार्ड बन गई रे। सुन रहे हो मेरी जिंदगी 24/7, तू मेरी सोना रे, चांदनी हो मेरी चांदनी और मैं हूँ तेरा दीवाना रे। जादू की अपिया तेरी नजरों ने, Don't save those SMS love, मुझे direct send कर दे। चुक चुक चोरी चोरी I have entered, जाने जाना जीना तेरी बाहों में। ना prepaid ना postpaid, इश्क को बोल कर ले। ना monthly ना billing, lifetime इश्क का करार कर ले। प्यार भर कौन से दिल भर ले, मेरे प्यार की फेसबुक में कुछ ऐसा जोश भर दे, इनबॉक्स आउटबॉक्स दोनों में हर टाइम प्यार भर एमएमएस भर दे रे। फिर भी ये दिल है मिलना चाहे रे, फिर तो हो जाए प्यार का इस हर सरेआम कर ले। Oh,
मोटे। हाँ भाई, भाई साहब ने उसे पकड़कर मुझे घर पे लाने के लिए कहा था। एक तो अंधेरा था, ऊपर से मैं नशे में था, अब मैं उसे कैसे पकड़ कर लाऊं? मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। क्या आइडिया रे? तुम वो आइडिया भूल गए क्या? लेकिन उसका थप्पड़ तो नहीं भूले ना? अरे बाप रे, उस थप्पड़ को मैं इतने आसानी से कैसे भूल सकता हूँ? अगर उसको पकड़ना ही है तो एक एक को बुलाओ और थप्पड़ खाओ। ऐसा करने से वो मिल ही जाएगा। आइडिया बहुत अच्छा है। टेस्टिंग के लिए तू मुझे पहले मार। क्यों मारूं? टेस्टिंग है, मारना। अच्छा तुम आंखें बंद करो। इस थप्पड़ में और उस थप्पड़ में बहुत फर्क है यार। अरे भाई इधर सुन, क्या है? भाई को एक कसकर लफा दे तो। अरे देना, ये तो खुद ही अपने पत्ते से मार खत होगा, इसका उसे क्या मुकाबला। चल निकल भाई, दोबारा आके बंद करो ना। मुझे मारने वाले तो मरता औरत कहाँ से आ गई? ये भी एक नई तरह का टेस्टिंग। अब क्यों खड़ी हो? और एक मारने के किसी को मार दो। मुझे क्यों? अच्छा वो यहाँ पर आए, मुझे यहाँ की चाट बहुत पसंद है। यहाँ का चाट बहुत फेमस है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कैरी ऑन। बोला। चलो, चलो, चलो। भाग मत। चलिए चलो, चलो चलिए, चलो चलो, चलो। भाई हमारी का बेटा सुल्तान मजार में है। से शूट किया लेकिन बचिया साला। भगवान
बेटी अंजलि आ बेटी बैठ बैठ। क्या बात है डैडी? कुछ नहीं बेटी, सुबह से तुझे देखा नहीं ना, इसीलिए देखने के लिए यहाँ पर बुला लिया। सुबह से अपनी बेटी को देखा नहीं तो इतने परेशान हो गए? इतने दिन इसे अपने से दूर रखकर कैसे जी रहे हो? तो फिर मैं क्या करता भाग्यवान, बिटिया रानी फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहती थी तो मैं ना नहीं कर सका, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब ये हमेशा मेरे आँखों के सामने रहे। हाँ, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ। अक्सर स्कूल जाने के लिए बच्चे रोया करते हैं, लेकिन जब तुम स्कूल जाती थी तब तुम्हारे पिताजी रोते थे। तुम कौन सी कम थी, रोज बेटी से मिलने के लिए टिफिन देने के बहाने स्कूल जाया करती थी। देखो बेटिया रानी, तुम्हें देखे बिना मैं तो नहीं जी सकता, तुम जी सकती हो क्या? कल ससुराल चली जाएगी तब क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मेरी गुड़िया रानी मेरे पास ही रहेगी, किसी अच्छे लड़के से शादी करवा के उसे भी अपने पास रहने के लिए कहूँगा, और वो लड़का ऐसा होगा जो मेरी बिटिया को पलकों पे बिठा के रखे, उसे सुलाने के लिए लोरियां गा के सुनाए। मुझसे भी ज्यादा चाहने वाले लड़का ढूंढ कर मैं बेटी की शादी कराऊंगा, फिर हम देखते हैं कि कौन हम बाप बेटी को जुदा करता है। हम दोनों ने प्यार करके कोई गलती की या नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भवानी के बेटे हो जानने के बाद हमारी शादी होगी या नहीं पता नहीं। चाहूँ तो यहाँ से दूर जाकर फॉरेन में किसी लड़के से शादी कर सकती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये आइडिया कुछ बेवकूफी सा लगा, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे डैडी मेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, और दुश्मनी की वजह से तुम्हारे साथ भी शादी करना मुश्किल है। घर से भागकर शादी करना भी नामुमकिन है। सच कहा, घर से भागकर शादी करने के लिए अब हम कोई टीनेजर्स नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं, और हम भी दिलो जान से उन्हें चाहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। भले ही वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार के लिए हम अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करेंगे। उन्हें समझाएंगे और अपनी शादी उनके आशीर्वाद से ही होगी। वो दोनों दुश्मन है, दोस्त नहीं है। वो कभी दोस्त हुआ करते थे बेटा। दादाजी, अब दुश्मन है। एक वक्त ऐसा था जब दोनों एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। मेरे दादाजी। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा। वो दोनों एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। इतना प्यार था दोनों में कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। हम सब मिलकर एक ही घर में खुशी से रहा करते थे। उनके साथ काम करने वाले भी उनकी दोस्ती को देखकर खुश रहते थे। लेकिन उनमें से एक था जो उनसे बहुत चलता था, वो था यादव। इस सिटी के हर फैक्ट्रीज में यूनियन है। हमारी कोई यूनियन नहीं है, इसलिए हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी मेहनत को बस लूटा जा रहा है। अगर हमारा यूनियन होता तो हमें हमारा इंसाफ मिलता। आज तक तो कोई यूनियन नहीं थी, अचानक क्या जरूरत आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यादव। भवानी, मैं मानता हूँ कि पुराना मैनेजमेंट हमारे हक में था, लेकिन ये मैनेजमेंट बदल गई है। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारी यूनियन बनने का मतलब है स्ट्राइक करना या कोई दंगा करना नहीं है, बल्कि ये खुद की सिक्योरिटी के लिए। यादव ठीक ही तो कह रहा है भवानी, एक बार सोच के देख। ठीक है नरसिम्हा, अगर हमारे सब भाई लोग तैयार है तो बना डालते हैं यूनियन। आज हमें हम सब की भलाई चाहने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला, मजदूरों का मसीहा हमारा लीडर भवानी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो भाइयों, मेरे से भी लायक एक इंसान है यूनियन प्रेसिडेंट बनने के लिए, हमारा नरसिम्हा। आप सब तो जानते ही, मैं और ये दोनों अलग नहीं है, ये मेरा जान से प्यारा दोस्त है भाइयों, मेरे भाई जैसा। यूनियन बना के प्रेसिडेंट बन गया और अब फैक्ट्री हड़पने की कोशिश कर रहा है, और देख रहे हो वो नरसिम्हा प्रेसिडेंट बनकर बैठ गया है। अब तुम क्या करोगे बोलो? क्या स्ट्राइक करोगे? ऐसे बिना बताए हड़ताल करने से फैक्ट्री को लॉकआउट कर देंगे। उनके तो ऐसे दसों फैक्ट्रियां हैं, एक बंद कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो इसी के सहारे जी रहे हैं। हम मैनेजमेंट से जाकर बात करते हैं, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हमें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों देखो, हम सबको स्ट्राइक तोड़कर काम पर लग जाना चाहिए। मशीनें चालू करो, चलो चलो। पागल हो गया क्या भवानी? तू समझने की कोशिश कर, तुझे मालूम नहीं है क्या? मालूम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू दोगला निकलेगा। छोड़ दे। यही तो चाहता था यादव, उन दोनों के बीच ऐसी दीवार बना दी कि दो दोस्त आपस में दुश्मन बन गए, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यादव ने फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दी, और फिर देखते ही देखते। बिल्कुल,
जब तक अपने साथियों का इंसाफ नहीं मिलेगा ये स्ट्राइक चलता रहेगा, हमने डिसाइड किया है। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? मैं कौन हूँ? इस वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। उस मैनेजर के साथ मिलकर तू नाटक कर रहा है? मैं ये सब होने नहीं दूंगा। चलो भाइयों। और बिल्कुल कर रहने वाले मजदूरों के बीच झगड़ा। बच्चे को लो और चलो मेरे साथ। क्या हुआ जी, कहाँ जाना है? तुम्हें क्या करना है? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मुझे जबान चलाती हो? अपनी पत्नी को क्यों मार रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इसीलिए तो आज तक तुम जैसों के साथ मिलकर इस घर में रहा। बाहर तुम्हारा पति डांटता रहता और घर में तुम बातें सुनाती रहती हो। क्या मुझे मेरी पत्नी को मारने का कोई हक नहीं है? ये क्या नसीमा, इतनी छोटी सी बात पर? हाँ, छोटी सी बात है। इंसान के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही छोटी सी बात है। मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम चाहते हो कि फैक्ट्री के मजदूर तुम्हें महान माने, सलाम करें, और हम बेवकूफों की तरह तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते रहे, तुम्हारी चमचागिरी करते रहे। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। अरे मैंने तो तुमसे दोस्ती करके कहा। तुम इतने मतलबी और खुदगर्ज इंसान निकलोगे भवानी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो यहाँ से। आज मत रोको काका, हट जाओ मेरे रास्ते से। पिताजी और इसी तरह पिता शांत हो जाइए। पिताजी और भी बढ़ती चल रही। हाँ, मेरे पिताजी ने हम सब के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने गरीबों की बहुत सेवा की। अब उनकी बाकी बची हुई जिंदगी आराम से कटे, इसलिए मैं इंडिया आया हूँ। उनके दुश्मन उन्हें शांति नसीब नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी से झगड़ा किया। लेकिन तभी मुझे दादाजी ने बताया कि ये पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर इन दोनों को फिर से मिलाना है तो बीच में यादव नहीं होना चाहिए। उस यादव के लिए ही मैं हांगकांग आया था, और तभी तुमसे मुलाकात हो गई। और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने बगैर हम प्यार कर बैठे। और मुझे याद है जब तुम्हें पता चला कि मैं भवानी का बेटा हूँ तुम घबरा गई थी, और जब मुझे पता चला कि तुम नरसिम्हा की बेटी हो मैं बहुत ही खुश हो गया। एक उम्मीद की किरण जगी कि अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो हमारे परिवार भी एक हो सकते हैं। हमें ही कुछ करना होगा। ठीक है, आप जाइए। एग्रीमेंट के पेपर्स आपने चेक कर लिए ना? आपके हिसाब से सब ठीक है ना? मैं सोच रहा था कि कलेक्टर के ऑफिस में चल के हम कौन हो तुम? कौन हो बेटी? डरने की जरूरत नहीं, मुझे बोलो। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। गुंडे पीछे पड़े हैं? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंजलि है। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक ही भाई है। पैसों के लालच में आकर किसी गुंडे से मेरी शादी करवाना चाहता है, और वो गुंडा नरसिम्हा का यहाँ काम करता है। मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ इसलिए वो पीछे पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बेटी, तुम चाहो तो मेरे लोग तुम्हें घर छोड़ कर आएंगे। इस भवानी के होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटी, इसलिए अपने दिलो दिमाग से डर की बात निकाल दो। मैं हूँ ना बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। घर जाओ बेटी, सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटी। बेटा, ये लड़की इतनी घबराई हुई है और तुम होगी इसे घर जाने को कह रहे हो। ऊपर से इसका कोई है नहीं, कहाँ जाएगी? जब तक इसका डर कम ना हो इसे 4-5 दिन यहीं रहने दो। हाँ भाई, इसे अपना ही घर समझो, डरने की कोई बात नहीं है। भाई भाई, वो कभी मिलेगा कि नहीं? वो कैसा दिखता है ये तो पहले पता चले मुझे। भाई, एक बहुत बढ़िया आइडिया है। आप कहे तो बोलूं? मेरे सामने आके बोल। अच्छा, वो आइडिया ये है भाई। चुप, तेरी तो तेरी उस बकवास आइडे की वजह से मेरे दोनों के दोनों घर लाल हो गए। इससे अच्छा भाई साहब के पैर पकड़ के मैं कह देता कि मैंने उसको नहीं देखा है। हम लोग आपके पैर पकड़ने की बात कर रहे हैं और आप किसी और के पैर पकड़ रहे हो। क्यों भाई, तू कौन है? क्या भाई, मुझे नहीं पहचाना? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं हूँ भाई आपका नंबर वन फैन। ये ठीक नहीं है भाई, जिंदगी में जो चाहिए वो भूल जाना, पर अपने फैंस को कभी मत भूलना। फैंस? क्या मैं भी इतना फेमस हूँ? ये क्या बोल रहे हो आप? सिनेमा हीरो के फैंस हो सके तो आप तो रियल हीरो है, क्यों ना होंगे आपके फैंस। आप जानते हो मैं कब से आपका फैन बना? तब मैं सिर्फ 8 साल का था। एक भारी स्कूल बैग लेकर इसी फुटपाथ से स्कूल जाया करता था, और फिर आप वहां सामने देखो ना,
ओपन टॉप जीप में बिल्कुल सलमान खान की तरह आते थे। ये तो मैं ही हूँ। यहाँ के लोग झुक झुक कर आपको सलाम करते थे और आप स्टाइल में मुस्कुराते थे। वाकई में स्टाइल है यार। आपका स्टाइल ही कमाल का है भाई। मेरे को मेरी नजर ना लगे। भाई ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के फेंक रहा है, संभाल के रहना। तो चुप रहे मैं उसके बाहर। आप कैसे, कितने सारे किस्से हैं? और भी किस्से हैं क्या? मैं आपको क्या क्या बताऊं भाई। हमारे स्कूल में एक दिन क्या हुआ था पता है? क्या हुआ क्या हुआ? हमारी क्लास टीचर ने हमसे पूछा कि बड़े होकर हम क्या बनना चाहते हैं। मैं इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं टाइगर पांडू बनूंगा। टाइगर? ये टाइगर क्या है? बस क्या, आपको नहीं पता? आपके सारे फैंस आपको टाइगर पांडू के नाम से बुलाते थे। मुझे? हाँ भाई, आप जानते आपको कितना मानते थे। मैंने तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़ा होकर आप जैसे बनूंगा। यानी कि अब तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो क्या? सही है भाई। कहाँ मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, और आप है कि मायूस हो गए हो। उस समय मैं जवान था तो बहुत कुछ कर देता था। अभी मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। अभी क्या हुआ? तुम मेरे फैन हो इसलिए बता रहा हूँ। इधर आओ, फैन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अरे क्या है तुम्हारे पास छुपाने के लिए जो छुपा रहे हो भाई? साले मार डालूंगा तुझे। उसे छोड़िए, आप बताइए ना। वो क्या है ना बेटा, मेरे जीजा जी ने एक को पकड़ने के लिए कहा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं और बिना देखे मैंने कमिट भी कर दिया। यही सोच सोच कर परेशान हो रहा है, रांची के पागलखाने में भेजना पड़ेगा। चुप कर। अरे लेकिन आपके जीजा जी ने तो देखा। जीजा जी क्या देखेंगे, जब मैंने नहीं देखा, कितना अंधेरा था वहाँ पर। तो फिर एक काम करो, वो मैं हूँ करके बोल दो, बोल कर तो देखो। तुम क्या पागल हो गए हो? अगर जीजा जी उसको देखेंगे तो उसकी क्या हालत कर देंगे पता है? मार डालेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। भाई ये आपका तिलक कहाँ गया? बाप रे। टाइगर, टाइगर के बाप लग रहे हो। बेटा ये क्या, आप तो छोटे बच्चे की तरह रोने लग गए। ठीक है भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करके शाम तक आ जाऊंगा। बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? यही छोटी सी फाइनेंशियल टेंशन। फाइनेंशियल टेंशन? कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं भाई, बस 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 रुपया तुमको? नहीं भाई, ये आप क्या कर रहे हो? पैसे लेकर मैं इस रिश्ते को बदनाम नहीं कर सकता। मुझे नहीं चाहिए पैसे आपसे, नहीं चाहिए मुझे आपसे पैसे। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तुम्हें लेना होगा, तुम्हें लेना होगा, तुम्हें मेरी कसम है। हाँ तो ठीक है, इसलिए मैं आपका फैन बना हूँ। I love you भाई। अभी मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, तो चलो भाई। भाई मुझे बकरी का मैं सुनाई दे रहा है भाई। मुंह बंद रख बेटा। भाई साहब क्या हो गया, क्या फालतू काम करके आया? मैंने कोई फालतू काम नहीं किया है, किसे पकड़ कर लाया हूँ जानते हैं? किसको पकड़ कर लाया? अंदर चले गुलाब जामुन। कौन है ये? ये कौन है? आप जिसके लिए अपना खाना पीना छोड़कर और अपनी नींद हराम कर जी रहे हैं, आप जिसे गली गली शहर शहर नुक्कड़ नुक्कड़ ढूंढ रहे हैं, आप जिसकी मौत का पल पल इंतजार कर रहे हैं। अरे ऐसा मैंने कब कहा है यार? आपने नहीं कहा लेकिन ये मेरे डायलॉग का स्टाइल है भाई साहब। फिर भी मैंने किसको लाया आप जानते हैं? जानते हैं नेताओं की तरह क्यों चिल्लाया जा रहा है? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये उखाड़ लूंगा। अब मुझे ठीक से बता कौन है ये? यही है भाई साहब, भवानी का बेटा। आपने पकड़ने को कहा, मैं पकड़ के लेके आ गया। ये है, इसको तूने पकड़ा? यस, मैंने पकड़ा इसे। नेतागिरी बंद कर। तूने तो इसका हाइट 6.5 फीट का था ना? भाई साहब वो रात को नशे में था ना, इसलिए डाउट हो गया। मुझे भी थोड़ा डाउट ही है, तुम क्या वाकई भवानी के बेटे हो? मेरी आंखों में देखकर बोलो और उठाओ। मैं भवानी जी का बेटा नहीं हूँ। आपके साले साहब ने मुझे पैसे देकर नाटक करने को कहा था। मैंने उनसे पहले कहा था कि आप मुझे फट से पहचान लोगे, तो कहने लगे शरीर तो गेंडा है लेकिन अकल तो ठेंगा है, नहीं पहचान पाएगा। दरअसल मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं उनके हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ पर चलाया, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। तूने तो कहा था कि मेरे लिए अपनी जान देगा। बदमाश नंबर वन, मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए अपने खून से मुझे तिलक लगाया। अबे तेरी तो भाई साहब, तुम्हारी सच्चाई मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या काम करते हो? इनसे काम मांगा तभी तो मुझे यहाँ पर ले आए। अबे तेरा काम तो मैं तमाम करूंगा। सर सर मुझे डर लग रहा है, मुझे इनसे बचाइए। मेरे रहते तुम इसे क्या डर रहे हो? आज से तुम गेट के बाहर चौकीदार बन के खड़े रहना, अंदर आए तो टांगे तोड़ दूंगा। सर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहोगे। बाहर जा। जा रहा हूँ भाई साहब। उधर क्या कर रहा है ना? इसको तो लड्डू मलाई में डुबा दिया। तुझे तो मैं देख लूंगा तुझे। ऐसा क्यों है? मैं राजू श्रीवास्तव दिखता हूँ क्या? मैंने कहा था ना भाई, मुझे बकरी की मैं सुनाई दे रही है। तुम हो के फ्लैशबैक में जाकर फैन के बात सुनकर टाइगर बंगाल टाइगर बन गए और उस फैन ने तुमको सीधा चश्मे में डाल दिया भाई। हाँ तू सच बोल रहा है, तू बोलेगा और मैं सुनूंगा। अच्छा एक बात बता, तू मेरा असिस्टेंट है, मैं तेरा असिस्टेंट हूँ।
क्यों साले साहब, क्या हाल है? साले साहब कौन है तू? तुमने मेरी बहन के साथ शादी कब की जो मैं तुम्हारा साला बन गया? साला कैसा है साला? ये क्या कह रहे हो भाई साहब, आप तो अपनी बहन से मेरी शादी करवाने वाले थे। तू कौन है पता नहीं था? अब पता होने के बाद मैं सर से क्या कहूंगा जानते हो? क्या कहोगे भाई साहब? क्या कहूंगा, यही कि तुम भवानी शंकर के बेटे हो और ये सुनते ही वो तुम्हारा साला ऐसे काट देंगे। बोल दो, मैं क्या डरता हूँ, मैं भी बोल दूंगा। क्या बोलोगे? यही कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है और फिर भी तुम हम दोनों की शादी करवाने के तैयार हो गए। कंडीशन सिर्फ इतनी रखे थे कि हमें बेटा पैदा होते ही तुम पर उसका नाम रखेंगे। जाओ बता दो तुम। मैंने कहा? हाँ। तुमने कहा था? मैंने कहा था? अच्छा ठीक है, तो कह दूंगा तुमने कहा था, मैं तो बच जाऊंगा, गर्दन तुम्हारी फंसने वाली है। क्यों झमेले में फंसना चाहते हो? थोड़ा सोच लो, दिमाग लगाओ। जीजा जी मुझे क्यों बुलवा रहे हो? मैं बच्चों को ऐसे ही थोड़े नाम दे रहा था। तो रख दो ना नाम। देखिए भाई साहब, अगर आप जिंदा बच गए तो आप ही नाम रखूंगा, अगर मर गए तो बालाजी के सीरियल की तरह फोटो टांग दूंगा। ओके ना? ठीक है। फोटो से तो नाम ही अच्छा है। अगर ये इस घर में है तो अंजलि उस घर में। अरे बाप रे। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी द्रुत पाशांकुश पुष्प बाण चापां अनिमाधि विरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवामी। ध्याये पद्मासनस्थां विकसित वदनां पद्मपत्रायताक्षी हेमाभां पीत वस्त्रं करकलित नसद्देव पद्मांबरांगी सर्वालंकारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शांतमूर्तिं सकलसुरन्तां सर्वसंपत्प्रधात्री। भैया को ये सब पसंद नहीं है। लीजिए ना अंकल। जय श्री राम। अंकल नाश्ता तैयार है। क्या हुआ बेटी? अंकल भाई आ गया है, मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा, मुझे डर लग रहा है अंकल, प्लीज अंकल। जाओ जाओ बेटा, तुम देखो। कौन है बेटू? पहले तू बोल, तू कौन है? मेरी बहन को अपने घर में रखे मुझसे पूछ रहा है कि तू कौन है? ये ब्लैक एंड ब्लैक पहन के खुद को सरकार समझ रहा है क्या? इधर मैं व्हाइट एंड व्हाइट हूँ। अंजलि के भाई हो क्या? हाँ। चला आ रहा था। आइए सर। बहना बहना तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये लोग बड़े बड़े गुंडे हैं। चलो घर चलो बहना, चलो मेरे साथ। देखो ना अंकल कैसे डरा रहा है, आपको देखकर भी बिल्कुल नहीं डर रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बनर्जी। जी भैया। हम कैसे गुंडे हैं जरा बता दें, जरा ये भी झलक देख लें। यही रहो बहना, खुशी से रहो, टेक केयर, मैं ही चला जाता हूँ। सुन रहे? जी। तूने पहले क्या कहा था, ब्लैक एंड ब्लैक? हाँ वो तो मैंने इमोशन में कह दिया था, मैं कौन हूँ जानते हो? नरसिम्हा का आदमी। ये नरसिम्हा का आदमी है, बाद में पछताओगे। मोटे भाई, क्या मेरा टाइम इतना खराब चल रहा है? मैं बोल रहा था ना भाई, मुझे बकरी का मैं उसी दिन से सुनाई दे रहा है। उसने क्या क्या बताया है, आप जैसे अकलमंद इंसान को इडियट नंबर वन बना के छोड़ा है। सच है, उसने मुझे अपने घर से निकलवा दिया, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कभी नहीं। क्या हुआ इसको, किसने मारा रे तुझे? किसने मारा मतलब, तू क्या मुझे पट्टी बांधेगा? मैंने तो सिर्फ पूछा किसने मारा तुझे, तू चिल्ला क्यों रहा है मुझ पे? गटर में गिर गया था, इन्हें गंदा भी लगा है। छोड़ दो ना भाई, इसका भी टाइम खराब जा रहा है। टाइम क्या है टाइम, आफ्टर ऑल ये ड्राइवर है, इससे तो बात करना ही बेकार है। ओहो हाँ, ड्राइवर हूँ तो तू क्या सर का बॉस है? और नहीं तो क्या, भाई साहब के बाद तो मैं ही बॉस हूँ यहाँ का। निकालते फिर भी शर्म नहीं। तूने मुझे मारा? फिर बोला तो मैं फिर मारूंगा तुझे। तो याद रखना, इसने मुझे मारा, वो मेरा आदमी है, अब तो निकल यहाँ से चल। क्या हुआ रे? कुछ नहीं। मार खा क्या है? किसी ने नहीं मारा तुझे? नहीं किसी ने नहीं मारा मुझे। बोल, मेरा आदमी है जानकर भी, किसने तुझे मारा? आपके साले साहब ने।
इसने मारा? इस घर का ऑनर हूँ ये कहा, ये बात सुनने के लिए भी कहा। मैं आपकी बात सुनता हूँ ना, इसलिए मैं और कुछ नहीं कह सकता। और क्या क्या कहा? मेरा मुंह ना खुलवा तो अच्छा है। बोल नहीं तो मैं ही मार डालूंगा। कहा कि आज नहीं तो कल वो बुड्ढा मर जाएगा। बुड्ढा कौन है यहाँ? आप कहा कि आप तो बहुत जल्द लोग सिद्ध जाओगे, उसके बाद इस घर का किंग मैं ही हूँ, ऐसा कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई साहब। वो सब छोड़, पहले बता उसको मारा किस लिए? इसलिए मारा मैंने कि इसलिए किस लिए छोड़, पहले ये बता तूने इसको मारा है कि नहीं? यकीन नहीं आता, इससे पूछो। क्या रे, इसने मारा उसे? तुम तो बोलो। हाँ मारा। ये सब लोग हमारी फैमिली में दरार पैदा कर रहे हैं भाई साहब। आज से तू मेरे फैमिली का नहीं है, और आज से यही मेरा बेटा है, तू मेरा ड्राइवर। जा गाड़ी धोकर रेडी करके रख, मुझे बाहर जाना है। जैसे आप कहे भाई साहब। ये किसका आदमी है? तुम्हारा आदमी है। जाओ जाके गाड़ी धो। ठीक है भाई। इस तरह आंखों पे चश्मा लगाएगी तो मैं भी नहीं दिखूंगी, कोई और क्या दिखेगा? चश्मा नहीं होगा तो मैं कैसे देख पाऊंगी मम्मी? दिखेगा नहीं, जिसे देखना है वो तुझे दिख जाए बस, किसी और को देखने की कोई जरूरत नहीं, समझी? आप बाहर क्यों खड़ी है? तो और कहाँ खड़ी हूँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खड़ी हूँ, चाहे अंदर खड़ी हूँ या बाहर खड़ी हूँ। बेवकूफ कहीं का कभी नहीं सुधरेगा, दिमाग तो है ही नहीं। तुझे क्या हुआ, ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? इतने दिनों बाद मैं अपने मायके आई हूँ, बहन जी कैसी हैं, मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, पूछने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? ऐसे घूर रहा है जैसे मैं तेरे घर मुफ्त में खाने के लिए आई हूँ। यहाँ मैं मेरे भाई से मिलने आई हूँ, मेरे परिवार से मिलने आई हूँ, समझा भैया? जीजाजी ठीक है ना? हाँ। और तुम तो अच्छी हो ना? मैं कैसे अच्छी रहूंगी भैया, तुमने तो हमें भुला ही दिया है। अरे मैं कब भूला? आप वादा भूल गए ना, मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी आप रिश्ता देखेंगे, कहा था ना आपने ऐसा? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तभी उनकी शादी के बारे में सोचा जाता है बेटी, ये तो अभी बच्ची है, अभी क्यों सोच रही है इसकी शादी के बारे में? वो सब मुझे नहीं पता, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करवानी है ना। आप भी बताइए मैं कब तक इसे घर में कुंवारी बिठा के रखूंगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, इसका मामा करवाएगा ना शादी। अगर मेरी लड़की किसी के साथ भाग गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे बीच में बहका सा गया, 18 साल में आपने मेरी शादी कर दी थी ना, अब इसकी भी उम्र हो रही है। मैंने सही उम्र में शादी करवाई थी, एक बाप होने का फर्ज निभाया था। ओहो, आपने तो मेरी शादी में कुछ खर्च किया ही नहीं था। तेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाई थी, एक तू ही है जो अपने ससुराल वालों को संभाल नहीं पाई। बहुत हुआ, खुद की बेटी से ज्यादा तो आपको सारे संसार की चिंता रहती है। ओहो, तुम कौन हो जो यहाँ आके आराम से बैठी हो, कोई आगे पीछे नहीं है क्या? नाम क्या है? अंजलि। ओहो अंजलि, जैसे कोई परी। मायके में रहना तो ठीक से रह, नहीं तो ससुराल वापस जा, इस लड़की को कुछ बोला तो बहुत गलत होगा। हे भगवान, मैंने क्या किया, नाम पूछना भी गलत है क्या? फिर भी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं जब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा लेती। तू क्या आंखें फाड़ के देख रही है, हम किसी गैर के घर थोड़ी आए हैं, अपने भाई के घर आई हूँ, आराम से रहूंगी, चल बेबी चल। मोटे मेरा तो टाइम इतना खराब चल रहा है कि मुझे ड्राइवर बनना पड़ा। हाँ भाई। अच्छा कैसा कपड़ा पहनने वाला, आज ड्राइवर की वर्दी पहन कर खड़ा है, ऐसा टाइम किसी पे नहीं आए। अरे भाई मैंने तो समझा के थक गया, फिर भी आप नहीं समझे, आप अपने घर में नौकर बन गए। उसने मुझे अपने घर में नौकर बनवा दिया, कहता था मैं हीरो, वो मेरा फैन है। हाँ। उसके चक्कर में पड़कर मेरी क्या हालत हो गई, और कुछ कार पहुँचता रह गया। हे भगवान मेरे भविष्य का क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई इतने बड़े आदमी होकर आप एक मामूली कार पहुंचने में लगे पड़े हो। कार को नहीं पहुंची तो फिर क्या करूं? बोला क्या करूं? देखो भाई आपका फैन कहलवाने में मुझे भी शर्म आ रही है, मैं खुद पहुंचूंगा। इतना अच्छा फ्लैशबैक दिखाया आपको, टाइगर टाइगर पांडू शान से निकल रहा है, वो देखो वहाँ पर कौन है, वहाँ जो दिखेगा दिखेगा ना भाई। वहाँ पर दिखने के लिए है ही क्या, कौन खड़ा है वहाँ पर दिखने के लिए? अबे मेरी फ्लैशबैक मुझे नहीं पता तो तुझे कैसे पता होगा? एक बात सच बता बच्चू, तेरा प्लान क्या है रे? वो आप लोग बिडिंग करने जा रहे हो ना, प्रीमियर जैसा ही होता होगा ना। कोई नई फिल्म रिलीज हो रही है क्या, तेरे जैसे फैंस है क्या? अबे बिडिंग क्या होती है पता है? बिडिंग मतलब करोड़ों का हिसाब होता है वहाँ पर, समझा? थोड़ा बहुत मुझे मालूम है। क्या घंटा पता तुझे, अंदर जाके औरत लोग की हेल्प कर जा, बिडिंग को आएगा, बिडिंग को चल जाके पानी ले क्या? पीने के लिए नहीं, धोने के लिए, कार धोने के लिए, समझा? हमारे शहर के नगर पालिका ने आउटर विंग के 10 एकड़ जमीन को 90 साल तक लीज पर देने के लिए टेंडर मंगवाए हैं। टेंडर्स के एप्लीकेशन आ गए, मैं बॉक्स में से पहला टेंडर निकालता हूँ और आप सब लोगों के सामने कवर खोलता हूँ। और DCC ने कोट किया है सिर्फ 60 करोड़ रुपए। हमारा टेंडर डालने से पहले किसने टेंडर डाल दिया? अगर हम डाल देंगे तो उसे नहीं मिलेगा, जानकर उस भावनी ने किसी और के नाम पे टेंडर डाल दिया होगा। अंजलि कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोट है सिर्फ 75 करोड़। ये टेंडर अपने को ही मिलेगा, वो इतना पैसा कहाँ डालने वाला है, वो तो एक दो में ही अटक जाता है। भाई साहब वो टेंडर अपना ही है, आप जाकर साइन कर दो, चलिए चाहिए जाओ ना। BS कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोट है 75 करोड़ 1 रुपए। हुँ?
देख लिया नरसिम्हा, मैं हर बार तुझसे एक रुपया ज्यादा ही डालता हूँ टेंडर में। आज भी मैंने सिर्फ एक रुपया ज्यादा देकर हासिल कर लिया। एक और कवर है। एक और कवर? प्रगति कंस्ट्रक्शन का कोट है 76 करोड़। ये कौन है? बैनर्जी, टेंडर हमारे हाथ से निकल गया ये सोचकर नरसिम्हा मनीमन बहुत खुश हो रहा है। ये मेरा बेटा है जानकर तो इसके गले में कांटा अटक जाएगा। उसे ही अब मुझे टेंडर मिलने की बजाय किसी तीसरे को मिल गया सोचकर बहुत खुश हो रहा है भवानी। अब जब उसे पता चलेगा कि वो अपना ही आदमी है, उसकी पत्नी दिल्ली हो जाएगी। भाई साहब, वो जब हारेगी तो उनकी शक्ल देखने लायक होगी। आज तक तो हम ही लोग हारते हुए आए हैं ना। मेरा सरा हुआ मुंह बंद रखो, अगर उसे पता चल गया तो नुकसान अपने को ही होगा, समझा बेवकूफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। राम, इधर आ। बोलिए डैडी। देखिए पिताजी, आजकल ये मेरे रास्ते में आ रहा है, मेरा ही काम बिगाड़ रहा है। तुझे जरूरत क्या थी टेंडर डालने की? वो आप ही ने तो कहा था कि मैं भी कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। आप इतने अनपढ़ होने के बावजूद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो आपसे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने नाम पर भी टेंडर डाल दिया। ओ बाप सिर तो बेटा सवा सिर। पिताजी आप एक मिनट चुप रहेंगे? ए, मेरे कोर्ट से तूने ज्यादा का टेंडर कैसे भर दिया? तुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर नुकसान हो जाता तो तुझे कैसे पता कि मैंने कितने का टेंडर डाला था? उस नरसिम्हा से आपने ज्यादा का टेंडर भरा, आपको पहले से पता था ना? वो मेरा बिजनेस सीक्रेट है। ये भी बिजनेस सीक्रेट है? ओहो सर, बिजनेस सीक्रेट सीख रहे हैं, इसीलिए जनाब आजकल कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं है, आप इन्हें कहा था शहर में मत निकलना, इसीलिए अंडरग्राउंड में रह रहा हूँ, किसी को नहीं बता रहा हूँ कि आपका बेटा हूँ। अंकल खाना तैयार हो गया है। इसका नाम अंजलि है, हमारी मेहमान है, बहुत संस्कारी लड़की है। हाय नमस्ते। ए बाबू, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज इतने सालों के मेहनत के बाद पहली बार मैं भवानी से जीत गया हूँ। नमस्ते सर। आओ बेटा। आपको बिना बताए मैंने टेंडर भर दिया, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पहले से ही पता था कि टेंडर भवानी को मिलेगा, इसलिए मैंने ये गेम खेला, वो भी लास्ट मिनट पर। वो मैं आप ही का आदमी हूँ ना सर, टेंडर मुझे मिल जाए आपको मिल जाए, एक ही बात है ना, ये लीजिए सर। सही कह रहे हो बेटा, मेरे हाथ से गया हुआ टेंडर मेरे हाथ में वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि भवानी को मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसे तो नानी याद दिलाया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, इतने होशियार होने के बाद भी तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? वो मत पूछिए सर, अगर बता दूंगा तो आपके फैमिली में दरार आ जाएगी। अरे मुझे कोई अलग सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है भाई। ऐसा क्या? और देखिए ना सर, बाहर मुझे आपके साले साहब गाड़ी पहुँचते हुए मिले तो कहने लगे जाओ अंदर जाओ और जाकर औरतों की मदद करो, और फिर उनको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। अब पेमेंट दे दीजिए सर, मैं साइन करके यहाँ से चला जाऊंगा। तुमको रोकने वाला वो कौन होता है? ये घर मेरा है या उसका? भाई लगता है उसने अंदर फिर से कोई चुगली की है। आपने बुलाया भाई साहब? क्यों रे, राम को यहाँ आने से रोका है क्या? है ना भाई साहब, फैमिली मैटर्स के बारे में अंदर चल के बात करते हैं, चलिए ना। ए, अंदर जाके क्या बात करेगा? सर मुझे एक छोटा सा डाउट है सर, जब भी हम टेंडर डालते हैं तो वो भवानी हमसे एक रुपया ज्यादा कैसे डाल देता है? मुझे तो लगता है कि हम लोगों में से कोई ये मैटर लीक कर रहा है। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? चलो उधर देखो। भाई साहब आप भी मेरी तरफ देख रहे हैं? मुझे भी कुछ कुछ तुम पर ही शक हो रहा है। मैं तो आपका साला हूँ भाई साहब। तुम साले हो इसीलिए तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। ए बाबू जी, वॉचमैन को निकाल दो। ओके, वॉचमैन को क्यों निकालेंगे? जान दो ना भाई साहब, उस गरीब की पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? हम लोग शिफ्ट वाइज काम कर लेंगे। चल यहाँ से। ठीक है भाई साहब। अरे मेरे पे दादागिरी क्यों कर रहा है? हंसता खेलता हुआ ये दोनों परिवार, दोनों के मिलन पर आएगी बाहर।
जम कचहे का ये हंसी का फुहार, महकते दिलों में है प्यार बेशुमार। मानो ना मानो ये सब है प्यार, बनाया सबको है अपना यार। नाच झूमे इनका ये संसार, खिले फूल गुलशन में बेशुमार। प्यार चंचल हर पल हलचल मचाएगा मचाएगा, पिया मिलन को हर पल मंचल बनाएगा बनाएगा, दिल धक धक हर पल दीवाना बनाएगा, दुश्मन को दोस्त अपना बनाएगा। चिकी पिकी वो एक प्यार ही तो जीत हर दिल को, एक आदर वो पाया हर पल वो जो, एक बाहर तो छाए हर घर जो, एक परिवार हो समाए हर घर हर पल हर दिल में। कॉफी आंटी कैसी बनी है? चाय कॉफी का क्या है बेटी, ये तो कोई भी बना लेगा। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बना रही हो? खाने में बनाना नहीं आता? हाँ, खाने का मतलब दाल चावल बैंगन के भरते से काम नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों को देख रही हो ना, कितने तंदुरुस्त हैं सब। तुम चार पांच नॉनवेज आइटम बना दो, तब तक मैं आराम करती हूँ। तो बताओ कैसे लगा मेरा घर? हाँ बहुत अच्छा घर है। ओ, ओ, मेरी आंटी ने कुछ कहा क्या? और नहीं तो क्या, मुझे काट के खाना चाहती है। खाना पूरा मुझे बनाने के लिए कहा, एक लिस्ट थमा कर गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे में दादाजी भी नहीं है। प्यार किया तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना मैडम? क्या कहा? ओके ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगा। ए लड़की, खाना वाना बनाया या नहीं? मम्मी मुझे भूख लगी है। तू चुप रह, मेरी बेटी तो आज भूख से मर ही जाएगी। मैडम आपका पार्सल। थैंक यू। ये क्या बेटी, मैंने तुम्हें नॉनवेज बनाने कहा था ना? ये भी नॉनवेज है आंटी। ये सब हम नहीं खा सकते, जो कहा था वही बना दो हमें तो। सूखी रोटी खिला के मरवाएगी हम ये लड़की। क्या हुआ बहना? कुछ भी तो नहीं भैया, देखो तो इसने क्या मंगवाया है। ये क्या है अंजलि? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा है कहा। आज से आप लोग रोज यही खाया कीजिए। जरा इन लोगों को देखिए, कैसे पेट निकला हुआ है बाहर। अचानक हार्ट अटैक आने से पहले खुद को फिट कर लेना चाहिए। आज के जमाने में ये नया फैशन है अंकल, सिक्स पैक बॉडी। अंकल सिक्स पैक मतलब? सिक्स पैक भाई, वही भाई जो आमिर खान ने गजनी फिल्म में दिखाया था ना, उसी को सिक्स पैक कहा करते हैं भाई। क्यों बेटी, ये सब खाने से ऐसी बॉडी बनती है क्या? बिल्कुल बनती है अंकल। पहले ऋतिक रोशन सोचो कैसा दिखता था, लेकिन अब स्लिम हैंडसम बिकॉज ऑफ सबवे, शाहरुख, सबवे, सलमान, सबवे। ऐसा कहते हैं आज से हम सब लोग यही खाया करेंगे। जरूर अंकल, दो हफ्ते में बदल जाएंगे। आपको भी चाहिए ना नया सिक्स पैक? लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए सिक्स पैक या सेवन पैक, इसने तो पूरी फैमिली को ही पैक कर दिया है। मेरे परिवार वालों पर काला जादू कर दिया है। हंसता खेलता हुआ दोनों परिवार, दोनों के मिलन पर आएगी ये बहार। चमका चहका ये हंसी का ये फुहार, महकते दिलों में है प्यार बेशुमार। बनाने के लिए कहा था, देखो भैया इसने क्या बना दिया। ये क्या बेटी, ये कैसी रंगोली? ये तो लेटेस्ट फैशन का रंगोली है अंकल, फूल पत्ते चिड़िया तितली वो सब ओल्ड फैशन है अंकल। हाँ तुम भी ऐसा करो बहना, ओल्ड फैशन छोड़कर नई फैशन की बन जाओ। हो तो समझदार है यहाँ,
जब पार हो तो मझधार भी हो, जब संसार हो तकरार मझधार सा मझधार भी हो। तक तक धिन धिन तक धिन वो, तक तक धिन धिन तक धिन वो, तक तक धिन धिन तक धिन वो, तक तक धिन तक तक धिन वो। नच नच रे गाँव गाँव रे, झूम झूम रे हंस हंस रे, संग संग तारा बिगो नाद रे। नच नच रे गाँव गाँव रे, झूम झूम रे हंस हंस रे, संग संग तारा बिगो नाद रे। कोई देख लेगा तो क्या होगा? देखना है तो देखने दो, मुझे किस बात का डर है? अगर डैडी ने देख लिया तो सब टेंशन दूर, फटाफट हमारी शादी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी हो जाएगी। कुछ टेंशन है क्या? तुम्हें मेरे घर वाले पसंद? तुम्हारे सारे घर वाले अच्छे हैं, लेकिन वो आंटी रोज ये सोचती है कि कब मेरा गला काट दे। ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ का मामला पड़ गया है, अब आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। इसी बात पे छप्पे दे दो। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्यों रे, पहले का मार भूल गया क्या? दोबारा मार खाने आ गया? दोबारा मार पड़ गई तो खा लूंगा। खा लेगा? हाँ जी, मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, देखिए मैं अंदर जाऊंगा सर। ठीक है जा अंदर जा, जा। नमस्ते। जा जा। नमस्ते। अच्छा तो तुम अपनी बहन को लेकर जाओगे? मेरे अंदर का इंसान जाग गया है सर, मैं उसको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मेरे साथ भेज दीजिए उसको सर। क्यों बेटी, भाई के साथ जाओगी? आप सबको छोड़कर जाने को मेरा भी दिल नहीं कर रहा है अंकल, पर मेरा भाई बदल गया है ना, इसके सिवाय मेरा कोई है भी नहीं। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं जाऊं। आपके घर में मारने का रिवाज है क्या? मुझे क्यों मारा? क्यों नहीं मारूंगी, एक तो अपनी बहन को सताते हो जिसकी वजह से मेरे घर वाले आज टेंशन में हैं। मेरी टेंशन से ज्यादा आपकी टेंशन है क्या आंटी जी? आंटी अगर आप कहे तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, देखो बेटी तुम्हारे भाई को उसकी गलती का एहसास हो गया, अब तुम्हें नहीं सताएगा। बैनर्जी इसका सेल नंबर ले लो। नंबर बोल। सुनो बेटी, अगर ये तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझसे कहना। इसे परेशान मत करना। जाओ बेटी। अच्छा मैं चलती हूँ भैया, चले। चलो। नमस्ते। 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 बला टली। भैया अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे अचानक क्यों बहना? मेरा तो काम हो गया ना, मेरा मतलब रात में तुम्हारे जीजा जी मेरे सपने में आए थे, मुझे वापस बुला रहे हैं। बेबी सामान पैक करो। डैडी मम्मी। अरे मेरी लाडली हो गई। डैडी कैसी हो माँ? ये बताओ सहेली की शादी कैसी? धूमधाम से हो गई। तुमने तो 10 दिन कहा था, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गई बेटी? आप सबको बहुत मिस किया डैडी। सर इसमें साइन कर दीजिए। डैडी ये कौन है? बेटी ये राम, आजकल हमारा सारा काम यही देख रहा है, बहुत संस्कारी है। हाय। नमस्ते। बाप रे। नमस्ते जी। बोला था संस्कारी है। नमस्ते। चलो। अरे वाह मिल गया बदमाश भाई साहब। ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? देखते हैं तो देखने दो, कोई डर नहीं। मुझे अपनी परवाह नहीं है, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है। प्यार करने वाले डरते नहीं। मेरा घर कैसा लगा और मेरे घर वाले कैसे लगे? घर वाले ठीक है, घर भी अच्छा है। वो मेरा काम दरअसल। क्या काम कर रहे हो? होने वाले दामाद से काम करवा रहे हैं? पहले मैं क्या कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अजीब मुश्किल में पड़ गया। अगर प्यार किया है तो सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, ये तुम ही कहा करते थे ना। मेरा डायलॉग मुझे ही मार रहे हो? आइए भाई साहब आइए, मैं नहीं बता सकता। क्या बात है बता तो सही। आप देख लीजिए। क्या है ये देखने के लिए? मैंने बोला ना मैं नहीं बता सकता, आपको देख लीजिए। बिटिया रानी आराम से सो रही है, तू मुझे यहाँ क्यों ले गया? क्या है देखने के लिए? कहाँ गया? कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। इधर आ। तू मुझे ऊपर तक खींच के क्यों लाए?
वो क्या है ना, बंजली को देख के आपको 10 दिन हो गए थे ना, इसलिए देखने के लिए बुलाया हूँ। कार का हॉर्न सुनाई दिया जी? गेट के पास रहने के लिए बोला था ना। बेटी अंजलि, जरा कॉफी ले आना। अंजलि अब कहाँ है, वो तो अपने घर गई। भूल गया था पिताजी, अंजलि जब से गई है ये घर सुना सुना सा लग रहा है, उसकी बहुत याद आ रही है। सोचता हूँ उसे यहाँ रहने के लिए बोलूं। वो क्या हमारे घर की बेटी थी जो यहाँ रहेगी? किस हक से यहाँ रखते हैं? प्लीज और एक हवा खाइए। अगर आपके डैड को पता चला कि आप भूखे हैं तो दुखी हो जाएंगे। मुझे भूख लगी, ये बात उन्हें कैसे पता चलेगी? पता चलेगी मतलब वो आपके पिता है। अच्छे पिता नसीब होना बड़ी किस्मत की बात है। सच में अच्छा डैडी मिला इसलिए मैं हैप्पी हूँ। आप तो बहुत हैप्पी है, लेकिन वो नहीं है। उन्हें क्या हुआ? पिता है ना, इतनी नाजो से अपनी बेटी को पाला है, उसे किसी अच्छे लड़के से ब्याह कर किसी अच्छे घर में भेजने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। वो मेरे बारे में सोच रहे हैं? बाप है ना, सोचेंगे ही। और अब बेटी भी सयानी हो गई है। कार आई तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गेट के पास जाके खड़ा रहता हूँ। चलता हूँ। मुझे बातों में बहला के तुमने बहुत खिला दिया। थोड़ा सा और खा लो प्लीज 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 प्लीज। बेटी हमारे घर के लोग तुम्हें पसंद आए ना? ये क्या अंकल, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये घर, यहाँ के सारे लोग बाहर से बहुत ही खतरनाक जरूर लगते हैं, लेकिन उनका दिल वाकई में मोम की तरह है। सच कहूँ तो इस घर से मुझे बहुत अपनापन मिला है। देखो बेटी अंजलि, तुम भी हमें अपनी लगने लगी। सच कहूँ तो हमें तुम्हारी आदत सी पड़ गई, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा कि हमारा कोई अपना चला गया। सच कहूँ तो हमने तुम्हें बहुत मिस किया बेटी। तुम्हारे आने से इस घर में खुशी आई बेटी, तुम भी हमारे घर की एक सदस्य बन गई हो। दीपावली के जगमगाते दियो की तरह तुमने इस घर को रोशन कर दिया है बेटी। ये रोशनी घर में बरकरार रहनी चाहिए बेटी। हमारे घर में आ जाओ, मेरे बेटे से शादी कर लो बेटी, और इस घर में खुशियों के दीपक जला दो बेटी। अंकल, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जीती रहो। ये शादी करके घर बसा लेंगे, बीच में हम फंस जाएंगे, अपने बच्चे का नाम मेरा रखेंगे और मुझे मेरे नाम को स्वर्गवासी बना देंगे। मैं तुमको सच बता दूंगा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? बेटा आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बोलिए ना सर। पहले वादा करो। मैं वादा करता हूँ। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मेरे बेटे से शादी कर लो बेटी, और इस घर में खुशियों के दीपक जला दो बेटी। सर वो मैं नहीं, नहीं, तुमने वादा किया है बेटा। जैसे आपकी मर्जी। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से तुम्हें अपना दामाद बनाने का सोच लिया था बेटा। उसके साथ तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी समझदारी, मेरी बेटी की अच्छी देखभाल, हम लोगों से प्यार, ये सब देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी लाडली बेटी को तुम मुझसे ज्यादा खुश रख पाओगे बेटा। तुम्हारी पिछली जिंदगी से, तुम्हारे माता पिता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। एक बाप को ऐसे ज्यादा क्या चाहिए कि जिससे उसकी बेटी की शादी हो वो उसे जिंदगी भर के लिए खुश रखे। ए, जल्दी से जाके पंडित को बुला के लाओ, सगाई के मुहूर्त निकालो, मेरी बेटी की सगाई धूमधाम से होनी चाहिए। शिवाय। ओम। ए, हाँ गुरुजी। चले मुझसे मिलने के लिए कोई आया है क्या? कोई नहीं आया गुरुजी। सबको पता चल गया है कि आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा है ना? क्या कहा? मेरा वक्त ठीक नहीं है कि इस चपड़ गुंजू ने कहा, मैं उसके 12 बजा दूंगा। फोन इधर ला। हेलो, मैं सरस्वती पुत्र लक्ष्मी नारायण शास्त्री बोल रहा हूँ। आप कौन है? मैं नरसिम्हा जी के घर से बोल रहा हूँ, हमारी बहन की सगाई का मुहूर्त रखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। देखो कांता, हमारा ड्राइवर है क्या? गाड़ी नहीं है तो ड्राइवर कहाँ से आएगा? इतनी डिटेल में बोला जरूरी है क्या? देखिए मेरे कार का ड्राइवर नहीं है, आप अपनी गाड़ी भिजवा दीजिए। जरूर जरूर भिजवा देंगे। और एक बात सुनिए, रास्ते में एक होटल आएगा। कौन सा होटल? क्या है उसका नाम? JW Marriott। हाँ, JW Marriott।
जेडब्ल्यू मैरियट पंडित होकर भला बिरयानी कैसे खाएंगे आप? ए चिरकुट, भला मैं बिरयानी क्यों खाऊंगा? हाँ, उस होटल के पास ही एक पान की दुकान होगी, वहाँ से दो पान लेकर आना। पान खाने से जबान साफ होगी, जबान साफ होने से वाक शुद्धि होगी, वाक शुद्धि होने से सरस्वती प्रसन्न होगी बेटा। मतलब पान नहीं खाएंगे तो क्या सरस्वती जी प्रसन्न नहीं होगी क्या? यू बेटा मेरे से मजाक कर रहे हो? फोन रख बेवकूफ। रख रहा हूँ ढक्कन। इसने कहा कि मेरा वक्त ठीक नहीं है। हाँ ए, ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री अगर चाहे ना तो शास्त्रों को भी उलट पलट कर रख सकता है। आइए गुरु जी। नमस्ते पंडित जी, आइए आइए। कौन है रे तू? आप तो एक वॉचमैन हो ना? मैं अखंड शास्त्रों का पंडित हूँ, एक महान ज्योतिषी हूँ, सबका भविष्य बनाता हूँ, और इस लक्ष्मी नारायण शास्त्री को रिसीव करने के लिए तुम आए हो? घर में इज्जतदार लोग नहीं है क्या? आइए बैठिए शास्त्री जी। सौभाग्यवती भव, बैठिए बैठिए। नमस्ते। हाँ, लड़का और लड़की को बुला के लाओ। जरूरत नहीं है। क्यों, उन्हें नहीं देखेंगे क्या? इस लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी ने मुहूर्त रखा है, मतलब दोनों दुल्हा और दुल्हन मेड फॉर ईच अदर ही होंगे। उनकी जन्म पत्रिका लाइए। लीजिए। शास्त्री जी अच्छी तरह देखकर जरा बढ़िया मुहूर्त रखिए। अभी फोन तुमने ही मुझे किया था ना? पान मंगवाया था ना, वो मैंने भिजवा दिया है। श्रीमान पहले से तुरंत यहाँ से बाहर भगा दीजिए। अरे और चले, शास्त्रों का उलटफेर करने वाले ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अरे चले, मेरी पब्लिसिटी बंद कर, पहले से बाहर भेज। आप जरा बाहर जाइएगा। पंडित जी सुना नहीं? शांति रखिएगा। तू बाहर जा, बाहर चल, सुना नहीं क्या? चल, अरे जा जा बाहर, जाना बाहर, चल चल। रानी देव को मैं इसके पीछे लगा दूंगा। आप देखिए ना, कोई बात नहीं, भगा दिया भगा दिया। जानता हूँ, मुझे बाहर निकाला, देखता हूँ तुझे पंडित बाबू से पंगा। हाँ सर, ओके ओके सर। नंबर सर मेरे पास है, लीजिए सर। 9848013434। हाँ सर, ओके सर। पंडित तू तो गया। दोनों की कुंडलियां तो बहुत मिलती है। कुंडलियों के अनुसार अगले महीने की 15 तारीख को शादी के लिए मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। ठीक है शास्त्री जी, उसी दिन रख लीजिए। और एक बात, दूल्हा और दुल्हन को बुलाइए। देखिए आ गए। आओ बेटा सर। आओ बेटा, आओ बैठो बैठो। नमस्ते। देखा श्रीमान, मैंने कहा था ना, दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के लिए बने मेड फॉर ईच अदर। डरने की कोई बात नहीं है, इस लक्ष्मी नारायण के बताए हुए मुहूर्त पर दोनों की शादी करवा दीजिए। चलता हूँ श्रीमान जी, आज्ञा दीजिए। ए चल, शास्त्रों को उलटफेर करने वाले लक्ष्मी। चलिए, शास्त्रों को उलटफेर करने वाले लक्ष्मी नारायण जी हैं। माफिया डॉन लगत है ससुर के नाते सब के सब। गुंडन का तबेला लगा है भाई। अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी मुंह में। गुरुजी यहाँ तो मोटे मोटे भाईसन भरे हैं, यहाँ किसका मुहूर्त निकालेंगे? आपको डर नहीं लगता है? मुंह बंद कर, मुझे किससे डर है, मैं सरस्वती पुत्र हूँ। इस लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम सुनकर कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी दुष्ट ग्रह थर 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 कांपने लगते हैं। तू नहीं जानता क्या, सारे ग्रह तांडव करते हैं, बताए। नमस्ते श्रीमान जी। नमस्ते। नमस्कार। मेरे पोते की सगाई के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। क्यों नहीं श्रीमान जी, जरूर अभी देखकर बताता हूँ मैं। ये लीजिए गुरु जी। अभी ये किसी कुंडली है मूर्ख, इनकी कुंडली दो। इन्हीं की तो कुंडली है ना गुरु जी? यही है। चले, एक जैसे लोगों को तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन एक जैसी कुंडलियां तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। क्या हुआ शास्त्री जी, इसमें कोई दोष है? नहीं कुछ नहीं। इन कुंडलियों के मुताबिक अगले महीने के 15 तारीख को सवेरे 8 बजे का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है श्रीमान। तो ठीक है शास्त्री जी, तो मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। श्रीमान जी एक बात कहूँ, एक बार दुल्हा दुल्हन को यहाँ बुलाइए, मैं भी उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। राम गुरु जी, क्या देख रहे हैं हम? सिर्फ कुंडलियां है एक नहीं, लोग भी एक हैं। हेरा फेरी पार्ट 3, आप लोगों को पहले से ही पता था? हमें तो पता था, उन्हें नहीं पता है। तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर मैं तुम लोगों की शादी नहीं करवा सकता हूँ। चेला सही कहता था, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, इस लक्ष्मी नारायण की तो बैंड बजने वाली है। तूने मुझे फोन करके क्यों फंसाया? मुझे बाहर निकाला था इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर दिया इन्हें। बाप रे, देखो भवानी और नरसिंह माँ दोनों की दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, मैं ये शादी नहीं करवा सकता। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। शास्त्री जी आप तो शास्त्रों की पुनर्रचना करने वाले देखो हैं। वो मेरी भूल है, मैं अपने बारे में गलत सोचता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। शास्त्री जी
आप जानते हैं हमारे बेटे का नाम क्या था? ये कैसा ट्विस्ट है? शादी होने से पहले बच्चे का नामकरण? अगर लड़का हुआ ना तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री ऐसा नाम रखेंगे उसका। डबल गेन? नो, लक्ष्मी नारायण शास्त्री नहीं, ये शास्त्रों की तोहीन होगी। तो फिर उसका नाम कुची कुची नारायण रखे। हाय लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ए बेटा आजा, आजा। मेरा प्यारा लक्ष्मी नारायण। सपना देख रहे हैं आप? तो इमोशनल हो गए शास्त्री जी। तुमने मेरे दिल को छू लिया। ओके, मैं अपनी बात पर अटल रहकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ठीक है? ठीक है, अगर लड़की हुई तो लक्ष्मी रखूंगा। हार डाला, तुमने मुझे बहुत मान दिया। गुरुजी अब चले, चलिए। चलता हूँ बेटा। तू तो वाकई तो बदमाश नंबर वन है। हेलो, उसका नाम रखोगे तो फिर मेरा नाम का क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, उनके नाम पे क्यों रखूंगा? आप तो मेरे साले साहब हैं, आपके नाम पे रखूंगा? मुझे बस का मत मारो, मुझे कि नहीं। चलो भैया। नजरों के कितने रंग, रंगों में रंगे हम, नजरों से तीर मारे घायल हुए हम। बढ़ाओ दो जाने हम, गालों पे मेरे हर रंग, ठंड काए पायल तो छिड़ जाए जंग। कर ले कुछ भी ना मिलेगा बंदा ऐसा, सोच ले कोई ना करेगा प्यार ऐसा। नाच ले तो भी ना मिलेगी कुड़ी ऐसी, गाल तो भी ना झूमेगी कोरी ऐसी। तेरा कर घायल मुझे, आँखियों से गोली मारे लगे निशान सकरे। हाय दैया दिल गई, अरे ताथैया मिलके गई। है दिल वाले की हो गई, है मन चली मैं खो गई। नखरों के कितने रंग, रंगों में रंगे हम, नजरों से तीर मारे घायल हुए हम। बटाओ दो जाने हम, गालों पे मेरे हर रंग, ठंड काए पायल तो छिड़ जाए जंग। धीरे धीरे प्यार बढ़े, उसका सुरूर चढ़े, नशे में चूर दीवाने जहाँ को भूले। हर हर पल कटे, मिलन का जुनून बढ़े, प्यार में परवाने इस जहाँ को भूले। ना मुझसे तू कभी जुड़ा, पकड़ा है हाथ रहे पकड़े सदा। किया है मैंने जब तुझसे वादा, निभाऊंगी मैं हर दम सदा। हर दैया दिल ले गई, हर दाथैया मिल के गई। सुन तो चेले। बोले गुरुजी। इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करेंगे? दोनों तरफ मुहूर्त का वक्त एक ही है, इधर भी वो रहेंगे उधर भी वो रहेंगे, लगता है हम फंस गए। और नहीं तो का, भावना में आके फंसी तो गए ना गुरुजी। सुनिए जी। हाँ, क्या है क्या है? वो आप अपनी समझदारी से
किसी एक जगह का मुहूर्त बदलवा कर देख लीजिए ना। हाँ बदल दूंगा, मेरे इतने बुरे दिन आ गए। इस लक्ष्मी नारायण शास्त्री को अब तुम जैसे लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। क्या तुम्हें पता नहीं मैं शास्त्रों को बदल देता हूँ? चलो जाओ यहाँ से। फिर से भाई शंकर अखाड़ा में आ गए। तुम यही ना? क्या बात है शास्त्री जी। नमस्ते श्रीमान जी। बैठिए। धन्यवाद। अरे ऊपर बैठिए, ऊपर। सुबह सुबह चढ़ा कर आए क्या? अरे अरे अरे, ये आप कैसी बात कर रहे हैं श्रीमान जी? और बताइए, कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है। वो आपके पास रहे या मेरे पास क्या फर्क पड़ता है, वो तो बैंक में रखने जैसा ही है। बात दरअसल ये है कि परसों का जो मुहूर्त है वो क्या कमी है मुहूर्त में? बहुत अच्छा मुहूर्त है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोच रहा था अगर इससे भी अच्छा मुहूर्त होता तो। मतलब पहले का मुहूर्त अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। लेकिन अगर उससे भी बेहतर मुहूर्त होता तो सबके लिए बहुत ही अच्छा होता। तलवार ला तो दो। इसमें तलवार का क्या काम है श्रीमान? सच बता शास्त्री, कट सकता है। पहले का मुहूर्त अच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं, ऐसा किसने कहा? भाई साहब, उस भवानी के बेटे की सगाई का मुहूर्त भी इसी धोज पंडित ने रखा है। भाई साहब, उम्र में बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पंडित भी हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल करेंगे तो अच्छा होगा। क्या इज्जतदार है पंडित जी, वाह वाह। भाई साहब, फूल का अच्छा मुहूर्त रखने के लिए ये पंडित हमारे मुहूर्त की वाट लगाने आया है। शास्त्री, तू मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? तू पंडित है इसलिए इज्जत देकर बैठा के बात कर रहा हूँ। अगर तेरे से कोई गलती हुई ना तो तेरी मौत की मुहूर्त भी तेरे से ही निकलवाऊंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है और ग्रहों की गति भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, पहले का मुहूर्त ही काफी अच्छा था, आप उसी को फाइनल कर दीजिए, मैं चला। बैठ जाओ। भवानी के वहाँ मुहूर्त भी तुमने रखा है क्या? हाँ मैंने रखा है। ये बता, वहाँ की जोड़ी अच्छी है या हमारी अंजलि और राम की जोड़ी अच्छी है, बता। आप जोड़ी बोले तो वहाँ लड़की यहाँ लड़का, यहाँ लड़की वहाँ लड़का, वहाँ लड़की यहाँ लड़का, वहाँ दोनों लड़की यहाँ। ठीक है बोल। श्रीमान जी, ये साहब जिस तरह से तलवार खींच रहे हैं वो देखकर मेरी जबान लड़खड़ा रही है। इनसे कहिए ना कि जरा मुझसे दूर रहे। ए, तो पीछे जा। चल तू अब बोल। तो फिर सुनिए श्रीमान जी, हमारी जोड़ी का उनकी जोड़ी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा लड़का राजा जैसा है और उनका लड़का बंदर जैसा है। हमारी लड़की चांद जैसी है और उनकी लड़की छिपकली जैसी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सगाई और उनकी सगाई के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। बढ़िया मैनेज किए हैं गुरुजी। ऐसा करो शास्त्री, हमारे हैसियत को देखते हुए राम और अंजलि की सगाई के लिए कोई दूसरा बढ़िया हॉल का इंतजाम करो। दूसरा फंक्शन हॉल बुक करने की क्या जरूरत है? वो अपना शिवाजी फंक्शन हॉल है ना, वो आपके स्टेटस के अनुसार, रेंज के अनुसार बिल्कुल जस्ता है। मेरे एडजस्टमेंट के लिए भी वही काम आएगा। अब आज्ञा दीजिए। ए जड़िया, इस तरह तलवार क्या घिसे जा रहा है? सोफा कट जाएगा ना। भाई साहब, दो मिनट इधर आइए ना। देखो, अगर तुम छोटी बड़ी बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम बेवजह मारे जाओगे, सोच लेना। ये क्या पंडित जी, आपका दिमाग खराब हो गया? आप ही ने तो खुद तय करके मुहूर्त रखा था, अभी बदलने के लिए क्या है? गुस्सा मत कीजिए, आखिर मुहूर्त तो मैंने ही रखा है ना, हम जब चाहे बदल सकते हैं। मतलब मनमानी करेंगे? अब नहीं नहीं, पंचांग और कुंडियों को देखकर ही सही मुहूर्त रखा है, इसीलिए तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, अब वो सब छोड़िए, हम उसी मुहूर्त पर शादी करवा देते हैं। शास्त्री जी, हाँ जी, उस नरसिम्हा के घर का मुहूर्त भी अभी ने तय किया है ना? पहले उन्होंने मुझे बुलाया था इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। ठीक है, उनका दामाद अच्छा है या हमारा बेटा? हमारे बेटे से उनके दामाद का क्या मुकाबला है? हमारा बेटा राजा जैसा है, उनका दामाद बंदर जैसा है, हमारी लड़की चांद जैसी है और उनकी लड़की बिल्कुल छिपकली जैसी दिखती है। सुनिए, फेकम फाकी मत कीजिए, मैं उसकी लड़की को जानता हूँ, बहुत गोरी है और सुंदर भी, बचपन में देखा था। सब मालूम होकर भी पूछ रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, हमारे सामने उनकी कोई औकात नहीं है, अगर देखा जाए तो हमारी सगाई के सामने उनकी सगाई बिल्कुल चींटी जैसी होगी। वो सब छोड़िए, आप हमारे बेटे की सगाई के लिए अच्छा सा हॉल बताइए। है ना जी, अपना वो श्री गुरु जी, तू बीच में मत बोल, मैं आपके लिए बढ़िया हॉल बताता हूँ, श्री साई लगन मंडप ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल आपके हैसियत के मुताबिक है। उनका शिवाजी फंक्शन हॉल में रखेंगे तो आपका सेंटीमेंट अच्छा रहेगा, यही कहा था ना? कहा होगा, जब ग्रह गति उल्टी चलती है तो मत मारी जाती है। तो वो हॉल जल्दी से बुक कर दो श्रीमान, अब आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा शास्त्री, चलो भाई जी। नमस्ते। चलिए, लगता है मेरा टाइम वाकई खराब चल रहा है, इसलिए मैं इन दोनों के बीच में फंसकर सैंडविच हो गया। आप तो सरस्वती पुत्र हैं, आपका कौन काम उखाड़ेगा? ऐसा मत बोल, हम सरस्वती पुत्र जरूर है मगर वो दोनों राक्षस पुत्र हैं। ग्रह की आपके सामने काम मजाल, ग्रह को बदल डालिए। समझ नहीं रहा है, ये कोई मामूली ग्रह नहीं है, राहु केतु जैसे हैं, अगर हमने कुछ गलती की तो हमें निकल जाएंगे, समझा कर समझा कर। चलिए, नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मंत्री जी, आपके परिवार वाले नहीं आए? वो पीछे आ रहे हैं, पीछे। आइए ना।
ये ठीक लग रहा है। हाँ, बैठिए। क्या भैया, मुझे नहीं पता भैया। अंजलि रेडी हुई है कि नहीं, जाकर देखो तो सही, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। आइए आइए। अरे ये लोग कौन है रे साहब? अंजलि के मेकअप के लिए इनको खास बुलवाया है। आ जाइए जाइए, अंदर चलिए। क्या सगाई है, मेरी जान पे बनी हुई है। आप लोग शर्माइए मत, जो चाहिए मांग लीजिएगा। ए बाबू, अंजलि कहाँ है? अंजलि रेडी हो रही है। तो तू क्यों रो रहा है? सगाई है ना, उसी खुशी में। ठीक है चल, रोना बंद कर, जा अंजलि को ले जा, जा जा जल्दी। ये क्या देख क्या रहे हैं? वो लोटा मैंने ही फेंका है। ये हो क्या रहा है? दो मोहरत एक ही जगह पे एक ही समय में एक ही पंडित से इस तरह जबरदस्ती मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जा रहा हूँ किसी और को बुला लेना। मारेगा मुझे, मारेगा मुझे, मारेगा। हाँ मारो, मार के देगा, देखा ना मार के। अगर किसी ने इस लक्ष्मी नारायण शास्त्री पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसे दुर्गा माता के सारे अवतार जलाकर भस्म कर देंगे, उसे मिटाकर रख देंगे। इधर आ, इधर आ। इस पंडित को तुम बाद में देख लेंगे, पहले सगाई को अच्छी तरह से हो जाने दे, समझा? अब बोलिए शास्त्री जी, अब क्या करना है? करने लायक कुछ नहीं बचा है। अब ये जो दोनों सगाई है, वो दोनों सगाई आप मुझे ही करनी है, वो भी एक ही जगह पर करवानी है, एक ही समय पर करवानी है। इम्पॉसिबल, असंभव है। इसलिए मैंने सोचा मैं एक ही माइक लेकर बीच में खड़े होकर इधर उधर उधर इधर मैनेज कर लूंगा। ओके। और अगर कहीं आना जाना पड़े तो वो मेरा शिष्य देख लेगा। इसे एक माइक दे दो, शिष्य का एक माइक दे दो। चलो चलो शुरू करो, जल्दी जल्दी करो। गुरुजी समझ दे रहा क्या करूं। अंजलि रेडी हुई क्या? अंजलि रेडी हो रही है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, बुलाता हूं। जल्दी जाकर बुला। सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। राम, क्या हुआ दादाजी? मुहूर्त का टाइम हो रहा है इसलिए तेरा बाप बहुत टेंशन में है और तुम होके बिंदास घूम रहे हो। अच्छा ये बताओ, दोनों तरफ की सगाई कैसे मैनेज करोगे? दादाजी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ हैप्पीली हो जाएगा। सब हैप्पीली हो गया है, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम होगा तो आप जानिए। मेरा प्रॉब्लम मैं देख लूंगा, आप पहले इसे लगाइए और जैसा मैं कहूँ वैसा। अच्छा बाद में देखते हैं। अच्छा ये बताओ तुम मैनेज कैसे करोगे? बेटा इनका भी डाउट क्लियर कर दे। पंडित जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, सब कुछ देख लूंगा। कैसे देख लोगे भाई? सर मुझे भी तो बताओ, दोनों जगह पर एक ही इंसान एक ही समय पर कैसे रह सकता है? देखो तुमने मुझे जो टेंशन दिया है, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई है। मेरी जगह कोई और होता तो कब का परलोक सिधार लेता। हाँ चल अब रेडी हो जा। पहले आप खुद रेडी हो जाइए। मैं तो कब का रेडी हूँ, ये सब क्या है? बस तिलक लगाना बाकी और क्या। ऐसे नहीं, आपको नए कपड़े देने हैं, उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे। इसकी क्या जरूरत है, तुम बेकार का टेंशन ले रहे हो। मुझे अब नए कपड़े नहीं चाहिए, अगर देना है तो जब शादी करवा दूंगा तब दे देना। ऐसे क्यों कह रहे हो पंडित जी, आप ही की वजह से तो हमारी एंगेजमेंट हो रही है, आप कितने महान हैं। अरे बाप रे, अब फिर से दिल को छू लिया, तुम तो मेरा हार्ट फेल करवा के ही छोड़ोगे। ये लीजिए ये। हाँ? मेरे लिए? हाँ? हम जैसे पंडित लोग किस तरह के साधारण कपड़े पहनते हैं, इस सूट का मैं क्या करूंगा? क्या शास्त्री जी, वही पुराने ख्याल लेकर बैठे हैं। आप हाईटेक बन जाइए, आप एक नया ट्रेंड शुरू कर दीजिए। ऐसा क्या? ऐसा क्या? थैंक यू बेटा। जानते हो पैंट शर्ट पहनने की मेरी दिल्ली तमन्ना थी। अच्छा? और वो तुमने पूरी कर दी। आई लव यू बेटा, थैंक यू। अरे रे रे रे, टाइम हो रहा है, लड़का नहीं दिखा दे रहा, कहाँ है? आ रहा है भाई साहब, सारा का सारा अरेंजमेंट कर दिया मैंने। क्या अरेंजमेंट किया है भाई साहब? मुझे मारने के सिवा आपको कुछ नहीं आता है। आप कौन हो? आपका स्टेटस क्या है? हमारे अंजलि की सगाई शादी से भी बढ़कर होगी। लड़का पूरी बारात लेकर आ रहा है। क्या बारात? हाँ, पटाखे की शोर में बैंड बाजे के साथ लड़का घोड़े पर बैठ कर आ रहा है। लेकिन ये सब तो शादी का रिवाज है ना भाई साहब? हमारे अंजलि की सगाई पूरे शहर में देखने लायक होगी। आप देखिए, एंगेजमेंट के लिए घोड़ा, शादी के लिए हाथी, नहीं असली वाला। मेरी बात तो पहले सुन भाई साहब, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब जो मैं करूंगा आप सिर्फ देखते रहिए। साले साहब आप कहाँ गए थे? ये लो इसे रखो। ये सब बाद में, पहले इसको रेडी कराओ वरना वो मुझे मार देंगे। साले साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हो? उन्हें मेकअप करने के लिए एक लड़की चाहिए, इतना ही है ना? तो मुझे क्यों देख रहे हो? हाइट भी सेम टू सेम है। बिल्कुल। चलो ना भैया, तैयार हो जाओ। नहीं होगा। काली पकड़ मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे माफ कर दो भाई। ये क्या साले साहब, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अब बस इतना सा कर दीजिए ना। आप भूल गए क्या भैया, हम अपने बेटे का नाम किस पे रखने वाले हैं? सही जा रही हो। यस। वाह, सूट बहुत ही सूट कर रहा है शास्त्री जी। बिल्कुल मेरी तरह ही है। ये क्या है, तुम्हारा ड्रेस और मेरा ड्रेस एक ही जैसा? बाप रे, मतलब एक तरह से तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब और झमेले में नहीं पड़ना है। मुझ पंडित के लिए धोती ठीक है, ये सूट पहनकर मुझे अपना सर नहीं फोड़ना है, बेहतर तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ना 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 पंडित जी, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अब बस हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते? एक ही दिन का तो मामला है, बस इतना सा कर दीजिए पंडित जी, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। मुझे मरवाने पे क्यों तुले हो? उन सारे लोगों का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। पंडित जी जानते हो ना मेरे बेटे का नाम? जाइए जाइए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। देख ले मोटे, अरेंजमेंट कैसे किया है, सिंगल
सिंगल हैंड से किया है सब कुछ। जबरदस्त है भाई, पर उन लोगों का हम लोगों से ज्यादा मस्त है। एक दूंगा सारा मस्ती निकल जाएगा। हमारी इज्जत के सामने उनकी क्या बिसादर है? उस पंडित की इज्जत को रखने के लिए मैं ये सगाई यहाँ पर करवा रहा हूँ, नहीं तो किसी और जगह कराता। मेरा बस चलता तो मैं चांद पे रखता। एक बात बता, अपनी हैसियत के सामने उनकी हैसियत क्या है? क्या है? तुम्हें अगर डाउट है तो चलो तुमको दिखाता हूँ। तू क्या दिखाएगा बे? हमसे अच्छा क्या किया उसने? चल बता बता। चलो चलो चलो, देखो पर्दे के पीछे देखो। डबल रोल, बाप रे, ये तो सचमुच भवानी का बेटा है यार। यानी कि ये दोनों हम भाई साहब को बताते हैं। भाई साहब, भाई, अगर हमारी अंजलि यहाँ मंडप पे बैठी हुई है तो मेकअप रूम में लड़की कौन है भाई? हाँ आइडिया भाई, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। चलो जाके रंगे हाथ पकड़ते हैं। बिल्कुल सही। ठोक दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ठोक रहे। जरा हेयर पिन लेकर आओ। दरवाजा खोलो। हाँ ठहरो जरा, मैं लेकर आती हूँ। दरवाजा खोलो। कौन है आप लोग? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? डिस्टर्ब डिस्टर्ब कुछ नहीं, हम अंजलि को देखना चाहते हैं। अरे लड़की को कैसे देखोगे? वो कपड़े बदल रही है। वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं उसको देखना चाहता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है मैडम? देखिए ना सर, दुल्हन अंदर कपड़े बदल रही है और ये अंदर घुस रहे हैं। भाई साहब मैं, अरे हरकत करना बंद कर। अरे दामाद जी कहाँ है? टाइम होता जा रहा है। वो घोड़ा कहाँ पता कर? देख टाइम हो रहा है ट्रैफिक में, क्या पता कर जा। अरे लड़की को तैयार करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे हाँ चल। दुल्हन तैयार हुई या नहीं? यहाँ टक्की गटक लेता हूँ। देखा गया? उम्र तो देखो, घोड़ा घोड़ा लाल लगा। अब किस सोच में ये शादी करेगा? क्या बात, बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। अब इसके लिए कोई बूढ़ी इंतजार कर रही होगी। हाँ हेलो शास्त्री जी, मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब क्या मंत्र पढ़ना है बेटा? ये घोड़ा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? हाँ बधाई हो। साला मुझको फंसाएगा। बाप रे मोटे, उसने तो पंडित के घोड़े पे बिठा दिया। अब देख, रुक तुझे दिखाता हूँ। बचपन में मैंने तुम्हें देखा था, बिल्कुल अपने डैडी की शक्ल पर गई हो। कहीं मेरी नजर न लग जाए, बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने भी तुम्हें बचपन में देखा था, मैं भी पप्पी दूंगी। कितना गंदा परफ्यूम लगाया है तुमने, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। इसे जल्दी रेडी करके ले आओ। पता नहीं क्या लगाया है। अगर 5 मिनट में दामाद जी यहाँ नहीं पहुँचा ना तो तुझे 5 दिन गधे में बिठा कर पूरे शहर में घुमाऊंगा। जाके पानी ला। धोने के लिए भाई? अबे पीने के लिए। बेटा माँ से आशीर्वाद ले ले। अरे रुक। अरे ओ पंडित, बाप रे क्या हो रहा है? रुक जा, रुक। अबे घोड़ा तुझे भगा रहा है कि तू घोड़े को भगा रहा है? अबे पंडित रुक जा। अबे मेरी जिंदगी की वाट लगा के तू घोड़े पे भाग रहा है? अबे रुक, अबे तुझे रुक रुक नहीं। ए, ए, ए।
यादव बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, चल के बेटी को आशीर्वाद दो। ए, ए, क्या कहा आशीर्वाद देने के लिए? मैं यहाँ आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ, इसके लिए आया हूँ मैं। इसकी जान चाहिए मुझे। ए, क्या बक रहे हो तुम? वो मेरा दामाद है, मेरी बेटी की सगाई हुई है उसके साथ। क्या कहा, दामाद है? वाह, क्या प्लान बनाया तूने? तेरे बेटे को मेरे पास भेज के मुझे अरेस्ट करवा के इधर तुम दोनों एक होके सगाइयां करवा रहे हो, और मैं क्या आशीर्वाद देने आया हूँ? मुझसे पंगा लेने आया था? हाँ, मेरे पास आने से पहले मेरे बारे में पूरी तरह से मालूम कर लेना था बच्चे, और अगर तुझे नहीं पता था तो अपने बाप से पूछ ले। गलती कर रहा है यादव, अगर तू मुझे मार देगा तो मेरा बाप पागल होकर तेरी जान ले लेगा। तुझे और भी डिटेल्स चाहिए? वो भी मैं तुझे बताता हूँ यादव, उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी सोचकर नरसिम्हा भी तेरी जान ले लेगा। तूने अपने फायदे के लिए मेरे बाप और नरसिम्हा के बीच में दुश्मनी पैदा की। तूने क्या सोचा था कि वो कभी नहीं मिल पाएंगे? तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तेरा पाला बदमाश नंबर वन से पड़ा है, तेरी जिंदगी में हराम करके रख दूंगा यादव। करेक्ट कहा तूने, वाकई में बदमाश नंबर वन है, सुपर। लेकिन तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, सॉरी, अपने फायदे के लिए मैंने तुम्हारे और भवानी के बीच में दुश्मनी पैदा की। मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़का किसी भी कीमत पर चाहिए। नरसिम्हा, अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी जिंदा रहे तो अपने हाथों से तुझे इसे मारना होगा। चल मार। नरसिम्हा, सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करते, जल्दी करो। एक बार तेरे बहकावे में आके हम दोनों अलग हो गए थे। राम की असलियत जाने बगैर ही मैंने तय कर लिया था कि अपनी बेटी की शादी उसे कराऊंगा। आज जब मैं जान गया कि वो भवानी का बेटा है तो उसे मारने की गलती मैं कभी नहीं करूंगा। प्लीज यादव, छोड़ दो उसे। अगर तेरी बेटी बचेगी तभी तू अपने होने वाले दामाद के बारे में सोचेगा। ये लड़की जिस दिन मेरे घर पहली बार आई थी उसी दिन से ये मेरे घर की बहू रानी बन गई थी, और तू मेरे बहू को मारना चाहता है तो क्या मैं देखता रहूंगा? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भवानी, किसी और की बेटी के लिए खुद के बेटे को मरवाओगे क्या? तू जैसे मतलबी इंसान को मारने के लिए ही मेरा बेटा बदमाश नंबर वन बना है। यही बात सुनने के लिए मैं कब से बेकरार था डैडी। आप दोनों की दुश्मनी को दोस्ती में बदलना मेरी जिंदगी का मकसद था। करता हूं सबका काम तमाम। देख बेटा,
आज हम फिर से एक हो गए, इससे अच्छा मुहूर्त और क्या होगा। आज के दिन शादी करवा देते। शास्त्री जी कहाँ है भाई? घोड़े पे आ रहा है, घोड़े पे बैठ के। आय माँ, मर गया रे। तू यहाँ मंगनी कर रहा है और मुझे मरवा रहा है। कहाँ घूम रहे थे शास्त्री जी? आपको क्या लगता है मैं घूम कर आया हूँ? मैं कहाँ कहाँ गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। मेरे तो अंजर पंजर ही ढीले हो गए। घोड़ी से उतारो ना। अरे शास्त्री जी, शादी नहीं करवाएंगे क्या? किसकी शादी? मंगनी भारी पड़ गई, अब शादी करवाने की हिम्मत नहीं रही। तुम्हें शादी करनी है तो किसी और पंडित का इंतजाम कर लो। हम है ना बेटा, मेरा नाम रखना मत भूलना, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। चलिए अब चलो, जहाँ चलना है हम आते हैं ना शादी कराने के लिए।